हेलो स्टूडेंट्स, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देना है, क्योंकि ये 12th हिंदी का एक महामैराथन क्लास है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा उसका 100 में 95 प्लस इस बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा हमारे 12th वाले स्टूडेंट, क्योंकि अब की बार आपको बनना है टॉपर। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा ट्राई करते रहो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो अब आज के इस वीडियो में मैं पूरे इंग्लिश को एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका 100 में 95 प्लस पक्का हो जाएगा। और ये इंग्लिश का एक महामैराथन क्लास है, लगभग 2 घंटे की ये क्लास होगी और जो स्टूडेंट बैठकर फुल कंसंट्रेशन के साथ इस 2 घंटे की क्लास को ज्वाइन कर लेता है उसका बहुत अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इंग्लिश में मैं वीक हूं। देखिए, आप वीक नहीं हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर हैं। अगर आप खुद को स्ट्रांग समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो आपका मन समझता है वही आप हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पूरी इंग्लिश हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, आपका इंग्लिश जो है 4 सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इन चारों सेक्शन को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो भैया, अगर 100 में लाना है 95 प्लस तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग आपके 20 टॉपिक्स लगभग होंगे। तो इसमें क्या क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें देखिए अनसीन पैसेज रहता है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें एग्जाम्स में, ये 15 मार्क्स का आता है अनसीन पैसेज, ठीक है, 15 नंबर का आता है। कैसे सॉल्व करें वो हम इस वीडियो में सीखेंगे, यानी कि पूरे इंग्लिश को सीखेंगे, ठीक है। आगे क्या पढ़ेंगे देखिए, उसके बाद में हमारा सेक्शन बी आता है जो कि राइटिंग सेक्शन होगा। राइटिंग सेक्शन में आपको आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग दो टॉपिक दिए जाएंगे, 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग, 10 नंबर का लेटर राइटिंग, 20 नंबर का ये आपका सेक्शन होगा। इसमें हम आर्टिकल कैसे लिखें वो भी जानेंगे, लेटर कैसे लिखें वो भी जानेंगे, ठीक है। पूरे इंग्लिश को कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सारी चीजें सीखेंगे। फिर सेक्शन सी आता है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, इसमें आपका बहुत सारे टॉपिक आते हैं। ये टोटल 25 नंबर का आपका होता है ग्रामर सेक्शन सी, ठीक है, ये 25 नंबर का होगा। इसमें आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये सेक्शन सी आपका 25 मार्क्स का होगा। इन सभी को हम पढ़ेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन भैया अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा देखना भी पड़ेगा, ठीक है। कुछ बड़ी क्लासेस भी आपको ज्वाइन करनी पड़ेंगी। 10-10 5-5 मिनट की क्लासेस ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन करना होगा और क्लासेस को देखना होगा। आगे देखते हैं सेक्शन डी। अब देखिए सेक्शन डी आपका आता है लिटरेचर। ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा नंबर का होता है, ये 40 नंबर का सेक्शन डी होगा। इसमें आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तीनों आएंगे। देखिए प्रोज आपका रहेगा 15 नंबर का। इसमें क्या क्या आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे वो हम पढ़ेंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर, फिर लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा 7 नंबर, 15 नंबर का ये हो गया। पोएट्री फिर आती है, पोएट्री में हम स्टैंजा पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपका आता है 6 नंबर का, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का, 10 नंबर का आपका पोएट्री सेक्शन होता है। उसके बाद में सप्लीमेंट्री रीडर में हम, ये भी 15 नंबर का रहेगा प्रोज की तरह, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर का और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 7 नंबर का, 15 नंबर का ये भी रहेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की ये क्लास है। बहुत सारे स्टूडेंट, एक और कन्फ्यूजन रहता उनको कि सर ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कहाँ से हम इन सारे टॉपिक्स के पीडीएफ ले सकते हैं, कहाँ से हम पढ़ें ताकि अच्छी तैयारी हो जाए हमारी 100 में 95 प्लस आ जाए। तो देखिए YouTube पे तो हम पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ इसका जितना भी नोट्स है, क्लासेज हैं, सारी चीजें आपको हमारे ऐप शुभम लेक्चरर पर भी मिल जाएंगी, शुभम लेक्चरर
ऐप, ठीक है, ये हमारा ऐप है। यहां पहले शुभम लेक्चरर ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में लॉगिन करेंगे, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, नोट्स मिलेगी, क्लासेस मिलेंगी, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा नंबर भी है 9918332305, इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महामैराथन वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज, सेक्शन ए का अनसीन पैसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अनसीन पैसेज, सबसे पहले अनसीन पैसेज होगा आपके इंग्लिश में के पेपर में, जो कि सेक्शन ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होगा, देखिए एक पैसेज दिया रहेगा, नाम से ही स्पष्ट है अनसीन पैसेज, यानी कि ऐसा पैसेज जिसको आपने जल्दी देखा ना हो। ठीक है, मतलब आपके सिलेबस में जो ना हो, जैसे देखिए एक इंग्लिश में पैसेज रहेगा, भैया इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये एक पैसेज आपका है, देखिए पूरा पैसेज है यहां पर, देख लीजिए ऐसे आपका पूरा पैसेज एक रहेगा। क्योंकि मैंने कॉपी में लिखा है तो थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने लिखा है, तो यहां तक आपका पूरा पैसेज रहेगा, इसको पढ़ना है। और इसी से रिलेटेड नीचे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उसका आंसर आपको देना होगा। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, वो 5 क्वेश्चंस भी मैंने यहां पर लिख रखे हैं। देखिए ये आपके 5 क्वेश्चन है, अगर आपने 5 का आंसर दे दिया तो आपको 15 नंबर मिल जाएगा। लेकिन भैया फ्री में नंबर नहीं मिलते, कैसे आपको लिखना है। पहले देखिए हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, विथ हिंदी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। देखिए भैया हम टीचर हैं, हम आपको हिंदी मीनिंग भी बताएंगे, ठीक है, बिना बताए नहीं रहेंगे। देखिए हिंदी मीनिंग देखिए, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी कि इट इज ये है ओनली सिर्फ अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, एडवर्स सर्कमस्टेंसेज का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है, दैट की द रियल मैन यानी कि असली इंसान इज डिस्कवर्ड यानी कि पहचाना जाता है, ठीक है, जिसकी खोज होती है। तो इसका मतलब होगा कि विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। ठीक है, विपरीत परिस्थिति जब होती है तब आप असली इंसान को पहचानते हैं कि आखिर इंसान है कैसा। जैसे अभी हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं है तो हमें सभी अच्छे लगेंगे कि भैया भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, और जैसे ही हमारा समय खराब होगा तो कौन हमारे साथ है तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। ठीक, ए मैन एक आदमी ऑफ कैरेक्टर यानी कि चरित्रवान, जो चरित्रवान हो, ऑफ नोबल इंटेंशन, नोबल का मतलब होता है नेक इंटेंशन, नेक इरादों वाला, ठीक है, ऑफ स्ट्रांग, ये आदमी की गुण बताया जा रहा है, विशेषता, ठीक है, ऑफ स्ट्रांग मजबूत एंड स्टर्डी, एक बार एंड लिखिएगा, एंड स्टर्डी फिजिक्यू यानी कि मजबूत शरीर वाला, ठीक है, एंड वर्च्यू और गुणों वाला, आप सेल्फलेस सर्विस टू अदर, सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ सर्विस, सेवा टू अदर, दूसरों के लिए, यानी कि यहां पर कहने का मतलब है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला। ठीक है, प्रूव्स, वो खुद को प्रूफ करता है, प्रूफ का मतलब साबित करता है हिज वर्थ, अपनी योग्यता, इवन इन टाइम, उस समय में ऑफ एडवर्सिटी यानी कि विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में। तो यानी कि कहा जा रहा है, पहले तो कहा गया कि इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। फिर कहा गया ये मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन, ठीक है, ये मैन ऑफ कैरेक्टर यानी कि चरित्रवान, ऑफ नोबल इंटेंशन नेक इरादों वाला, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टर्डी फिजिक्यू यानी कि मजबूत शरीर वाला, एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाले गुणों, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम ऑफ डाइवर्सिटी, वही जो है व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता साबित करता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि चरित्रवान नेक इरादों वाला, मजबूत शरीर वाला और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाले गुणों वाला व्यक्ति ही विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता साबित कर पाता है। ठीक, जो अच्छा हो, आगे देखें और क्या करता है, ही फेसेज, वो सामना करता है द एडवर्सिटी यानी कि विपरीत परिस्थितियों का, विथ के साथ, हिज स्ट्रांग अपनी मजबूत विल इच्छा एंड डिटरमाइनेशन, डिटरमाइनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, तो वो हो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। जैसे हम अगर अपनी दृढ़ संकल्प ले लें कि भैया अब की बार हमें टॉपर बनना है तो हम बन जाएंगे, मन मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, फ्री में कुछ नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखिए मैं समझा रहा हूं, मैं इसको आपको डायरेक्टली भी बता सकता था कि पैसेज को पढ़ा, उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया, बस हो गया, लेकिन मुझे समझाना है ना आपको, कैसे समझ में आना चाहिए। आगे देखिए,
बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा है आपके, ग्रामर वीक है भैया, ग्रामर आप तेज करिए। देखिए इफ ही हैज, ये विल, इफ अगर, ही हैज यानी कि उसके पास, उसको उसके पास ए विल, इच्छा शक्ति टू डू एनीथिंग, टू डू ए थिंग, कुछ करने की, यानी कि अगर उसमें कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, अगर आप में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, यानी कि नथिंग, कोई भी नहीं कैन स्टैंड, खड़ा हो सकता है इन हिज वे, उसके रास्ते में, मतलब इसका मतलब है कि कोई भी चीज उसके रास्ते में नहीं आ सकती, यानी कि अगर उसमें कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो कोई भी चीज उसके रास्ते में नहीं आ सकती। अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो आपके रास्ते में भी कुछ भी नहीं आ सकती, बड़े से बड़े पत्थर को आप तोड़ कर रख देंगे, मतलब भैया पता नहीं कितना आपके अंदर दम है। ठीक है, आगे देखिए, ही कैन कंक्योर ऑल ऑब्स्टिकल टू अचीव हिज मिशन, यानी कि ही कैन, वो सकता है कंक्योर, विजय प्राप्त कर सकता है ऑल ऑब्स्टिकल, यानी कि सभी, ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है बताइए, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधाओं पर, ठीक है, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए हिज मिशन, अपने लक्ष्य को, ठीक है, अपने उद्देश्य को, तो वह जो है अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, ठीक है, कोई भी है। आगे देखिए, सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्थी, क्योंकि हिज ऑब्जेक्टिव, देखिए क्योंकि उसका जो उद्देश्य है इज नोबल, महान है, एंड वर्थी, योग्य है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वो महान और योग्य है। हमें उद्देश्य बनाकर चलना चाहिए, हमें अपना एम बनाकर चलना चाहिए, तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। बिना लक्ष्य, जब तक आपका कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा, आप उसको कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, आगे देखिए, इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्ध, इन द डेज यानी कि दिनों में, आप प्रॉस्पेरिटी, समृद्ध, एंड प्लेजर और आनंद, यानी कि समृद्ध और आनंद के दिनों में क्या होता है, बी स्लीप, हम सोते हैं एंड एंजॉय और आनंद लेते हैं, एंड नॉट, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, एंड नो नॉट, और हम नहीं जानते हैं व्हाट वी आर, हम क्या हैं, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि समृद्ध और आनंद के दिनों में हम सोते हैं और आनंद लेते हैं और नहीं जानते कि हम क्या हैं, यानी कि हम लोग अगर थोड़ा सा खुशी मिल गई भैया, खूब मजे से उसको एंजॉय करते हैं, खूब सोते हैं, ठीक है, और हम ये तक नहीं जानते कि हम क्या हैं, अपने आप को भी नहीं जानते, ठीक है, तो ये हमारी कमियां हैं, ठीक, इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कुछ करना है भैया तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। बट इन डाइवर्सिटी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, द इनर मैन वेक्स अप, यानी कि हमारे अंदर का जो इंसान है वो जाग जाता है, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे अंदर का इंसान जाग जाता है, हम सोचते हैं अरे यार हमें इतना ज्यादा एंजॉय नहीं करना चाहिए था, थोड़ा अपने कैरियर पर भी फोकस करना चाहिए था, ठीक है, एंड वी कम टू नो, ठीक है, और हम हमें पता चलता है आवर रियल, अपने वास्तविक स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, एंड वीकनेस, कमजोरी का, तो बट इन डाइवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियों में, द इनर मैन वेक्स अप, यानी कि हमारे अंदर का इंसान जाग जाता है और हमें अपने ताकत और कमजोरी का तभी पता चलता है जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब हमारे अंदर, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, थीके? तो ये आपका रहेगा एक पूरा पैसेज, ठीक। अब इसी पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, अभी हम एक एक का आंसर लिखेंगे, यानी कि व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, असली आदमी की खोज कब होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, अभी मैं सबका बताऊंगा, अभी मैंने बताया था इसी पैसेज में कि असली आदमी की खोज कब होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन डाइवर्सिटी, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, किस प्रकार का आदमी प्रूव, साबित करता है हिज वर्थ, अपनी योग्यता, इवन इन डाइवर्सिटी, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में, तो किस प्रकार का व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता साबित करता है। तीसरा है, हु कैन कंक्योर हिज मिशन, कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर सकता है। चौथा है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में जो अंडरलाइन पोर्शन है उसकी अपनी शब्दों में व्याख्या कीजिए। देखिए ये आपका अंडरलाइन पोर्शन है, थोड़ा सा है, देखिए द इनर मैन वेक अप, बस इसको थोड़ा सा मत समझिएगा, इसको थोड़ा बड़ा लिखना, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5वें क्वेश्चन में हमारी वोकैबुलरी रहेगी, देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, यानी कि इस पैसेज में सेल्फिश का अपोजिट वर्ड कौन सा है, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, तो इसका विलोम शब्द क्या है, इसका अपोजिट वर्ड क्या है। दूसरा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी, यानी कि इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ दुख है, माइजरी, दुख, ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज, यानी कि इस शब्द में जो ऑब्स्टेकल वर्ड आया है, बाधा शब्द का क्या अर्थ है।
ठीक है। तो इसका आंसर हम एक एक लिखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस पैसेज में इसका आंसर है कहाँ। जैसे देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आपको क्वेश्चन नंबर अपनी कॉपी में डालना होगा। देखिए फर्स्ट है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी कि असली इंसान की खोज कब होती है। तो देखिए इसी पैसेज में आपको आंसर दिया गया है, मैं उसको लिखूंगा भी। देखिए, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ठीक है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। तो यही आपको आंसर लिख देना है इतना, ठीक है, लेकिन थोड़ा अपने भाषा में लिखना है। कैसे लिखोगे? लिखो द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, बस आपको तीन नंबर मिल जाएगा। मतलब यहां पर नंबरिंग कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको तीन नंबर, सेकंड के लिए भी तीन नंबर, थर्ड के लिए भी तीन नंबर, फोर्थ के लिए भी तीन नंबर, ठीक है ये। और फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो एक एक दो और एक आपका लास्ट तीन, ठीक है, 15 नंबर का आपका पेपर हो गया। तो पहले क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी कि असली आदमी की पहचान कब होती है। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर आंसर है द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ठीक है, कब होती है। देखिए लिखा है ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, यानी कि द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, यानी कि आपको इतना लिखना है द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, फिर इसको जोड़ देना है ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो चलिए आंसर लिखते हैं भाई। देखिए देर नहीं करना है, हमें अभी बहुत पढ़ना है, ठीक है, अभी और आगे जाना है। तो इसका आंसर यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे भैया, ठीक है, ऐसे लिखेंगे आंसर, आपको कॉपी में लिखना है आंसर, आप क्वेश्चन वन ऐसे आप लोग लिखिएगा। मैं और ये पेन जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, रंग बिरंगा, इसको यूज नहीं करना है, नहीं तो आपको भी रंग बिरंगे नंबर मिलेंगे 0/5, ठीक। तो ये आपका आंसर, अब एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा। कॉपी में थोड़ा शुद्धता रहना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हम तीन तीन नंबर क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि असली जो आदमी होती है उसकी पहचान कब होती है। तो इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है, लिखेंगे द रियल मैन, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा भैया, हिंदी भी बताता हूं मैं, फिर से बता देता हूं, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, यानी कि असली इंसान की पहचान विपरीत परिस्थितियों में होती है, ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में, बस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का तीन नंबर आपका क्लियर हो गया कितनी आसानी से, लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भैया, अभी तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करना है, ठीक है, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि हार्ड वर्क ही, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दूसरा देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन डायवर्सिटी, यानी कि किस प्रकार के आदमी, किस प्रकार के व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता को साबित कर पाते हैं। तो इसी पैसेज में मैंने बताया था, पहले पैसेज में दिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि जो चीज देखिए यहां पर आंसर लिखा हुआ, यहीं से आप लिखिएगा, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशन, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूव्स हिज वर्थी इवन इन टाइम ऑफ डाइवर्सिटी। आपको यहां से लेकर यहां तक पूरा लिखना होगा, मतलब किस प्रकार के व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में अपनी योग्यता को दर्शाते हैं। तो ये मैन ऑफ कैरेक्टर यानी कि चरित्रवान, ऑफ नोबेल इंटेंशन यानी कि नेक इरादों वाले, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू यानी कि मजबूत शरीर वाले, एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर और दूसरों के बिना निस्वार्थ सेवा करने वाले गुणों वाले व्यक्ति ही प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम ऑफ डाइवर्सिटी, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता को दर्शाते हैं। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा और मैं आपके साथ में लिखूंगा भैया, हम अलग नहीं हैं, वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर सेम टू सेम, ठीक। तो यहां से मैं लिखता हूं, देखिए ऊपर स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा यहां से, ठीक। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, देखिए भैया सारे क्वेश्चन का लगभग आंसर आपके पैसेज में ही रहेगा, ठीक है,
कहीं बाहर से हमने नहीं मंगाया है, ठीक है, कुरियर के द्वारा। तो ये मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नॉवेल इंटेंशन, ऑफ नॉवेल इंटेंशंस, इंटेंशंस, ठीक है, ऑफ स्ट्रॉन्ग, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। एंड देखिए इसमें लिखा हुआ भैया, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं क्योंकि करना पड़ेगा, ठीक है, एंड स्टर्डी, एंड स्टर्डी फिजिक्यू, फिजिक्यू, ठीक है, एंड वर्च्यूज, एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस, ऑफ सेल्फलेस सर्विस, सर्विस टू अदर, टू अदर। देखिए 15 नंबर फ्री में नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एकदम रियलिटी बोल रहा हूं, फिर बाद में मत कहिएगा, ठीक है। प्रूफ्स टू अदर, प्रूफ्स हिज, प्रूफ्स हिज वर्थ, वर्थ इवन इन ए डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा कि किस प्रकार के व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता को दर्शाते हैं। तो ये मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नॉबल इंटेंशन, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू, एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर, प्रूव्स इज वर्थ इवन इन ए डाइवर्सिटी। यानी कि चरित्रवान, नेक इरादों वाला, मजबूत शरीर वाला और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाले गुणों वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता को साबित करता है, वो प्रूव करता है, ठीक है, अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी। आप वर्थी भी बोल सकते हैं, एबिलिटी भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। दूसरी, अब दो क्वेश्चन हमने भैया सॉल्व कर लिए, हमारा 6 नंबर क्लियर हो गया। ऐसे हम नंबर्स को क्लियर करते हैं। देखिए भैया थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा, हमारी राइटिंग थोड़ी सी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा और अच्छे से राइटिंग से लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु कैन कंक्योर हिज मिशन, इसका मतलब क्या होगा, कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त करता है। अब इसका भी आंसर भैया पैसेज में दिया रहेगा, यानी कि कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त करता है। तो पैसेज देखते हैं, कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त करता है, तो इसका आंसर कहां होगा, कहां होगा, कहां होगा, ये हो सकता है ही कैन कंक्योर ऑल ऑब्स्टेकल टू अचीव हिज मिशन, ठीक है। यानी कि आपको यहां पर लिखना है, ये रियल मैन विथ नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, देखिए आपको थोड़ा ध्यान देना है, हिंदी मीनिंग अच्छे से पढ़ना है। ही कैन कंक्योर ऑल ऑब्स्टेकल टू अचीव हिज मिशन, यानी कि वो अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वो अपने मिशन पर विजय प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं से वो पर विजय प्राप्त कर सकता है, सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्थी, क्योंकि उसके जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा, उद्देश्य, क्योंकि उसके जो उद्देश्य है वो महान और योग्य है। तो कैसे लिखोगे आंसर, क्योंकि आपको क्वेश्चन था कि कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो जो जिसका उद्देश्य जो है नोबल एंड वर्थी है वही अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो आप लिखिए, ये रियल मैन विथ नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव कैन कंक्योर हिज मिशन। कोई जरूरी नहीं है कि जो पैसेज में सेम टू सेम वही उतार दो, थोड़ा बहुत चेंज करके लिखिएगा, ठीक है। यानी कि पूछा गया क्वेश्चन कि कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं जो जिनके सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्थी, जिसके उद्देश्य महान और योग्य हो, महान और वर्थी हो, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर, ये भी मैं बता देता हूं, इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसका आंसर कैसे लिखोगे, ठीक, इसको मैं ऐसे कर देता हूं और इसका आंसर हम लिखते हैं तीसरे क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहां पर आपको हेडिंग डालना है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भैया ये कॉपी है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। तो लिखेंगे ये रियल मैन, ये रियल मैन विथ नोबल, विथ नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कैन कंक्योर
कंक्योर हिज मिशन, हिज मिशन, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी क्या होगा जानना जरूरी है। देखिए, ये रियल मैन विथ नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव कैन कंक्योर हिज मिशन, यानी कि ये रियल मैन, वो वास्तविक आदमी विथ नोबल, जो नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव, देखिए इसका मतलब क्या होगा कि तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा कि नेक और योग्य उद्देश्य वाला। देखिए, नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव, नोबल का मतलब होता है योग्य एंड वर्थी, ठीक है। नेक, नोबल का मतलब नेक एंड वर्थी का मतलब योग्य होता है, ठीक है। तो नेक और योग्य उद्देश्य वाला एक सच्चा व्यक्ति ही, ठीक है, एक सच्चा व्यक्ति कैन कंक्योर हिज मिशन, वो अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो जो नेक योग्य उद्देश्य वाला जो सच्चा व्यक्ति होगा वही अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। जो नेक होगा, जिसके अंदर कोई कमियां नहीं होंगी भैया, वही कर पाएगा। तो आप अपनी कमियों को दूर करो, अगर कमजोरी है तो बादाम खाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर नंबर है। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड, नौ नंबर हमने कंप्लीट कर लिया भैया, ठीक है। नेक्स्ट फोर देखिए, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, यानी कि जो इस पैसेज में अंडरलाइन पोर्शन है, देखिए कहां है अंडरलाइन पोर्शन, यहां पर देखिए, द इनर मैन वेक अप, यानी कि हमारे अंदर का जो आदमी है वो जाग जाता है। कब? जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं। इसका आपको अपनी भाषा में हिंदी मीनिंग करना है, ठीक है, अपनी भाषा में एक छोटा सा आंसर लिखना है, द इनर मैन वेक्स अप। यानी कि देखिए, इसके नीचे अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन पोर्शन का हमें अपनी भाषा में आंसर लिखना है। तो आप लिखेंगे, द इनर मैन इज ऑन अदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ये पर्सन, यानी कि कहा जा रहा है, इसका हिंदी मीनिंग लिखिए। तो इसका मतलब क्या है कि द इनर मैन वेक अप, यानी कि जो हमारे अंदर का आदमी है वो जाग जाता है। कब जागता है? विपरीत परिस्थितियों में। देखिए, बट इन डाइवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियों में द इनर मैन वेक अप, यानी कि हमारे अंदर का आदमी जाग जाता है। तो यहां पर क्या है, इनर मैन जो है, आंतरिक मनुष्य जो है, वो किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलू का वर्णन करने का एक तरीका है, ठीक है। तो हम यहां पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे फाइव नंबर, ऐसे लिखेंगे फाइव, और लिखेंगे ये रियल, सॉरी, द इनर मैन, द, थोड़ा ब्लैक ब्लैक यूज कर दें यार, चार में चांद लग जाएगा, ठीक है, द इनर मैन इज एन अदर, इज एन अदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग describing the spiritual aspect of ye person, ठीक है। यानी कि आपका क्वेश्चन था भैया कि जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, तो रेखांकित अंश का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे अंदर का जो आदमी वो जाग जाता है। तो यहां पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द इनर मैन इज एन अदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन, यानी कि द इनर मैन जो आंतरिक मनुष्य है, इज एन अदर वे, वो एक तरीका है ऑफ डिस्क्राइबिंग, यानी कि वर्णन करने का, द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, यानी कि आध्यात्मिक पहलू ऑफ ए पर्सन, एक मनुष्य के, तो आंतरिक मनुष्य जो है वो किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलू का वर्णन करने का एक तरीका है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा फाइव नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइव नंबर हमारा वोकैबुलरी है, इसमें आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना होगा। बारह नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है भैया, आगे बढ़ेंगे हम। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, यानी कि इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेल्फिश का अपोजिट है। सेल्फिश का मतलब क्या होता है, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्वार्थी का मतलब जो स्वार्थ के लिए काम करता हो, ठीक है, इसका अपोजिट होगा सेल्फलेस, और वो हमने इस पैसेज में देखा है। देखिए, सेल्फलेस कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, देखिए देखिए, आप लोग ढूंढिए, हम भी ढूंढ ही रहे हैं भैया, ठीक है, सेल्फलेस 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 सेल्फलेस, यहीं पे कहीं था, देखिए ये मैन एडवर्सिटी प्रूफ, ये सेल्फलेस, देखिए यही है हमारे सेल्फिश का अपोजिट। तो हम यहां पर लिखेंगे, देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये आपका फाइव नंबर, ये फोर नंबर है, देखिए नंबरिंग थोड़ा अच्छा रखिएगा, ठीक है, ये फोर है, ये फाइव अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है, हमने तो पहले ही 15 नंबर क्लियर करवा दिया,
देखिए क्वेश्चन था आपका कि इस वर्ड में व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, यानी कि इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेल्फिश का अपोजिट है, तो वो वर्ड है सेल्फलेस। सेल्फलेस देखिए सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, इसका अपोजिट वर्ड होगा सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ। ठीक है, इसका फर्स्ट है ये, ऐसे फर्स्ट लिख दीजिएगा। इसका सेकेंड आंसर क्या होगा, देखिए भैया आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ऊपर नीचे मत लिखिएगा, मतलब इस तरह से बीच में ऊपर लिख दें, ऐसा नहीं, आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, हम तो आपको समझा रहे हैं। दूसरा देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब दुख है। माइजरी का मतलब दुख भी होता है, ठीक है, माइजरी का मतलब प्रतिकूलता भी होता है। ठीक, तो व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी, यानी कि इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब क्या है, देखिए माइजरी है, तो माइजरी का मतलब देखिए यहाँ पर आपका जो दूसरा वर्ड होगा वो होगा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब भी वही होता है जो माइजरी का मतलब होता है। तो एडवर्सिटी कहाँ है, इसमें कई बार आया है, देखिए ये एडवर्सिटी है। ठीक है, तो हम दूसरे का आंसर लिखेंगे एडवर्सिटी, क्या लिखेंगे, एडवर्सिटी। ठीक, समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा देखिए, ठीक है, तो यहां पर जो आपका माइजरी का मतलब होता है ये दुख होता है या आपदा या कष्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हिंदी मीनिंग होता है हमारे माइजरी का। ठीक, तो माइजरी का जो होगा वो होगा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब भी दुख कष्ट आपदा होता है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि इस व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस माइजरी, यानी कि इस पैसेज में किसका मतलब माइजरी है, मतलब आपको सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एडवर्सिटी का मतलब भी वही होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए तीसरा, अब आपसे कुछ दूसरी तरह से पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है तीसरा, What does the word obstacle mean in the passage? यानी कि जो obstacle है हमारे passage में, obstacle का मतलब क्या है? Obstacle का मतलब तो मैंने आपको बताया ही, क्या था obstacle का मतलब, जल्दी से बताओ, अभी मैंने बताया है। ठीक है, obstacle का मतलब, obstacle का मतलब बाधा होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है, obstacle का मतलब बाधा। ठीक, जैसे जो आपके उसमें बाधा आती है उस पर आप विजय प्राप्त कर लें तो आप एक अच्छे आदमी हैं। तो तीसरे का आंसर क्या होगा, मतलब किसका मतलब और किसका मतलब बाधा होता है, तो उसको भी हम लिखते हैं। देखिए हिंड्रेंस का मतलब भी बाधा होता है, मतलब ये वर्ड आपके इसमें शायद ना हो लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑब्स्टेकल है इसका मतलब लिखिए, इसका कोई दूसरा वर्ड लिखिए जिसका मतलब भी बाधा होता है। तो देखिए ऑब्स्टेकल का मतलब हमारा बाधा होता है, तो हिंड्रेंस का मतलब भी होता है बाधा। ठीक, तीसरा, तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, सेकेंड 3, थर्ड 3, फोर्थ 3 और फिफ्थ के लिए भी 3 नंबर। टोटल आपका ये पूरा पैसेज 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखिए सबका मैंने आंसर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मैं सबको दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट का हमने आंसर लिखा, सेकंड का लिखा, थर्ड का लिखा, फोर्थ का लिखा एंड फिफ्थ का भी लिखा। इस प्रकार से आपको 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन ए था, अनसीन पैसेज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, पर आर्टिकल राइटिंग एक हेडिंग आपको डालना है। आर्टिकल लिखते समय आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हम आज लिखेंगे हेल्थ इज वेल्थ पर आर्टिकल। हेल्थ इज वेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य ही धन है। भैया अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो समझ लीजिए आप धनी हैं। ठीक है, तो देखिए हेल्थ इज वेल्थ, आर्टिकल लिखते समय आपको एक चीज ध्यान देना है। सबसे पहली चीज जो है वो है आपको कम से कम 3 से 4 पैसेज में आपको आर्टिकल लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि एक पेज पूरा सीधे सीधा लिखते चले गए, कहीं गैपिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी आर्टिकल लिखने बैठे भैया एग्जाम में, तो आपको 3 से 4 पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, मतलब पैराग्राफ वाइज आपको लिखना है। जैसे मैं आपको समझा दूं कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने आर्टिकल जब लिखा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया और थोड़ा गैप दिया, उसके बाद में दूसरा। ठीक है, आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगाने के बाद एक लाइन छोड़ देना है, फिर उसके बाद में दूसरा पैसेज लिखना है। मतलब एक ही आर्टिकल के आपको 2-3-4 भाग कर देने हैं। जैसे देखिए आप कैसे लिखोगे, जैसे आपको मान लीजिए हेल्थ इज वेल्थ पर आर्टिकल लिखने को बोला गया, तो आप कैसे लिखोगे किसी भी टॉपिक पर अगर आपको आर्टिकल लिखना है, तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा कि आपको आर्टिकल को सीधे सीधे लिखते हुए नहीं जाना है, कहीं गैप ना रहे, आपको 3-4 पैराग्राफ्स में लिखना है। ये सबसे अच्छा तरीका, इस तरह लिखोगे तो 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन कैसे लिखोगे, आज हम हेल्थ इज वेल्थ पर आर्टिकल आपको समझाएंगे कैसे लिखा जाता है। देखिए क्या है, द फ्रेज यानी कि ये वाक्यांश, हेल्थ इज वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही धन है, इज है ये वेल नोन, एक प्रसिद्ध एडज, कहावत,
दैट जो कि हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब होता है प्रकाश डालती है द इंपॉर्टेंस, महत्व पर ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य इन आवर लिप्स हमारे जीवन में। यानी कि जो ये वाक्यांश है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, ये एक प्रसिद्ध कहावत है, बहुत पहले से आप सुनते आ रहे होंगे कि स्वास्थ्य धन है भैया। अगर आपके स्वास्थ्य अच्छा है तो आप धनी हैं, और बहुत अमीर से अमीर आदमी हो अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, अगर उसको पैसे स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो उससे क्या होगा, समझ लीजिए वो धनी नहीं है। क्योंकि जब आदमी नहीं रहेगा तो पैसे का क्या करेंगे। कोई गरीब आदमी अमीर आदमी है, उसको पैसे के बेड पर अगर लेटा दिया जाए, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो क्या होगा, हर चीज उसे बहुत बेकार लगेगी, बेकार सी। एक दिन बुखार हमें आ जाता है तो लगता है यार जिंदगी में कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हेल्थ ही सब कुछ है, स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, तो द फ्रेज हेल्थ इज वेल्थ इज ये वेल नोन एडेज, यानी कि ये वाक्यांश स्वास्थ्य धन है, ये एक प्रसिद्ध कहावत है दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ इन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालती है। ठीक है, इंडीड सच में, वास्तव में हेल्थ, हेल्थ यहाँ पर हेल्थ कर दीजिएगा। ठीक है, इंडीड HELTH इंडीड हेल्थ, वास्तव में हेल्थ जो है, स्वास्थ्य इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, यानी कि उन मूल्यवान एसेट्स, उन मूल्यवान संपत्तियों में से एक है। देखिए, इज वन ऑफ द मोस्ट यानी कि में से एक है, वैल्यूएबल मूल्यवान एसेट्स संपत्तियों में से। तो जो वास्तव में जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो मूल्यवान, उन मूल्यवान संपत्तियों में से एक है। ठीक है, ये पर्सन कैन पोजेस, जो ए पर्सन, एक व्यक्ति कैन पोजेस, पोजेस का मतलब होता है जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। देखिए, जो हेल्थ है ये वास्तव में उन मूल्यवान वस्तुओं में से एक है जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। अगर आप लोग चाहें तो अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो अपने स्वास्थ्य को आप बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। योगा करते हैं, और अगर आप लोग दिन में 10 बजे तक सोते हैं, उसके बाद में फास्ट फूड यूज करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इट इनेबल्स अस टू एंजॉय लाइफ एंड परस्यू आवर गोल्स विद एनर्जी एंड एंथुसिज्म, यानी कि इट इनेबल्स, ये सक्षम बनाता है अस, हमें, टू एंजॉय यानी कि आनंद लेने के लिए लाइफ, जीवन का, एंड परस्यू, परस्यू का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने में, आवर गोल्स, अपने लक्ष्य का, विथ के साथ, एनर्जी, ऊर्जा, एंड एंथुसिज्म यानी कि उत्साह। तो ये जो स्वास्थ्य है, ये हमें जीवन का आनंद लेने और ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि आदमी को ऊर्जावान होना चाहिए, एनर्जेटिक। जब तक वो नहीं रहेगा, वो उत्साहित नहीं रहेगा, वो कैसे काम कर पाएगा। ठीक है, कैसे वो पढ़ाई कर पाएगा। अभी आप ही हैं, अगर थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे थोड़ा, तो आपको भी पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये एक पैराग्राफ यहाँ पर हो गया, अब आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, दियर आर मैनी, ठीक है, दियर आर मैनी रीजन्स, दियर यहाँ आ रहा है, मैनी कई रीजन्स, कारण, व्हाई, क्यों, हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि हेल्थ, स्वास्थ्य इज है सो इम्पॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण। तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है। फर्स्टली यानी कि सबसे पहले, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य अलाउज, वो हमें अनुमति देता है, ठीक है, अस, हमें, टू लिव यानी कि जीवित रहने के लिए, ए लॉन्गर, लॉन्गर का मतलब होता है लंबा, ठीक है, हमें लंबा, एंड और मोर फुलफिलिंग लाइफ, एंड और मोर, अधिक फुलफिलिंग, संतुष्टिदायक लाइफ, जीवन। तो जो स्वास्थ्य है, सबसे पहले जो अच्छा स्वास्थ्य है, वो हमें लंबा और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने की अनुमति देता है। ठीक है, वी कैन परस्यू आवर ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन, वी कैन यानी कि हम कैन, सकते हैं, परस्यू, परस्यू का मतलब क्या होता है, परस्यू का मतलब होता है जो हमारा सपना है, ठीक है, पूरा कर सकते हैं अपने लक्ष्य को, ठीक है, आवर ड्रीम्स, अपने सपनों को, एंड एस्पायरेशन, और अपनी आकांक्षाओं को। तो हम अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, एंड और इंजॉय द कंपनी ऑफ लव्ड वंस, एंड इंजॉय, और आनंद ले सकते हैं द कंपनी, अपने साथ के लोगों को, जो हमारे प्रियजन होते हैं, जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, ऑफ लव्ड वंस यानी कि जो हमारे प्रियजन होते हैं। तो कहा जा रहा है कि हम अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और प्रियजनों की संगति का आनंद भी ले सकते हैं। ठीक है, सबको स्वस्थ रहना चाहिए, हमेशा खुश रहो भैया, चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। ठीक है, अभी खुशी मना लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप यंगेस्ट हैं, बुढ़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
लोग आपको कहेंगे ओ बाबा बूढ़े। आगे देखिए, इट आल्सो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स अस टू अवॉइड इलनेस एंड डिजीज, यानी कि इट आल्सो ये भी हेल्प्स यानी कि मदद करता है, सहायता करता है आज हमें टू अवॉइड यानी कि दूर रहने से इलनेस, बीमारी एंड डिजीज और रोगों से। तो जो हमारा स्वास्थ्य है ये हमें बीमारी और बीमारी से बचने में भी मदद करता है। अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो आप बीमार नहीं होंगे, बीमारी से बचे रहेंगे, ठीक है। व्हिच कैन बी बोथ कॉस्टली एंड डिबिलिटेटिंग, व्हिच जो कैन भी हो सकता है बोथ कॉस्टली, बहुत महंगी, एंड और डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है दुर्बल करने वाली। तो ये जो है स्वास्थ्य जो है ये हमारे हमें बीमारी और बीमारी से बचने में भी मदद करता है, जो कि बहुत महंगी और दुर्बल करने वाली दोनों हो सकती है। यानी कि अगर ज़्यादा तबीयत आपकी खराब हो जाएगी तो आप पतले दुबले हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी बिगड़ सकती है, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सेकंड पैराग्राफ हमारा हो गया, दो पैराग्राफ हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब चूंकि 10 नंबर का आता है भैया, तो थोड़ा और लिखना पड़ेगा अभी जितना लिखे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, फर्दर मोर गुड हेल्थ इज लिंक्ड टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। फर्दर मोर यानी कि इसके अलावा, फर्दर मोर का मतलब होता है इसके अलावा, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य इज लिंक्ड, लिंक्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ है, टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी यानी कि अधिक उत्पादकता से एंड सक्सेस और सफलता से। इसके अलावा जो अच्छा स्वास्थ्य है वो अधिक उत्पादकता और सफलता से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया स्वास्थ्य धन है, स्वस्थ रहोगे तो एनर्जेटिक रहोगे तो सक्सेस मिलने के चांसेस, सफलता होने, सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, When we feel physically and mentally well, when जब we feel हम अनुभव करते हैं physically यानी कि शारीरिक रूप से and mentally और मानसिक रूप से well यानी कि अच्छा, ठीक है। तो जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं खुद को, we can perform at our best, we can perform, we can हम कर सकते हैं perform, perform का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन, ठीक है। At our best यानी कि सबसे अच्छा, एंड अचीव और प्राप्त कर सकते हैं आवर गोल्स, अपने लक्ष्य को, बिट ग्रेटर इज यानी कि बहुत ही आसानी से, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दिया गया, वी कैन परफॉर्म एट आवर बेस्ट यानी कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं, एंड अचीव आवर गोल विथ ग्रेटर इज, और अपने लक्ष्य को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, This can lead to career success. This can ये पैदा करती है to career यानी कि हमारे career को success, सफलता, यानी कि इससे career में हमें सफलता मिलती है, ठीक है। Financially stability, financially का मतलब होता है वित्तीय, stability का मतलब होता है स्थिरता, और वित्तीय स्थिरता and और essence of personal fulfillment, essence यानी कि essence एक भावना, ठीक है, आप पर्सनल फुलफिलमेंट यानी कि व्यक्तिगत संतुष्टि की। तो इससे कहा जा रहा है कि इससे करियर में सफलता, वित्तीय स्थिरता और व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना पैदा हो सकती है। देखिए लिखा है, दिस कैन लीड, इससे पैदा हो सकती है टू करियर सक्सेस यानी कि करियर में सफल, करियर में सफलता, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी यानी कि वित्तीय स्थिरता, एंड और एसेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट और व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना। तो कहा जा रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य से जो है, अच्छे स्वास्थ्य हमें सफलता, वित्तीय स्थिरता और व्यक्तिगत संतुष्टि भी का भाव भी पैदा हो सकता है, ठीक है। ये तीसरा पैराग्राफ हुआ, एक पैराग्राफ और लिखेंगे, तीन चार पैराग्राफ में लिखिएगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि चार ही में लिखें, तीन में भी लिख सकते हैं, चार में भी लिख सकते हैं। देखिए आगे देखिए, लास्ट हमारा है, इन शॉर्ट यानी कि संक्षेप में, हेल्थ इज ट्रूली वेल्थ यानी कि जो स्वास्थ्य है इज ट्रूली, वो वास्तव में वेल्थ, धन है। तो संक्षेप में स्वास्थ्य ही वास्तव में धन है, बाय इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश करके इन आवर फिजिकल, अपने शारीरिक एंड मेंटल और अपने मानसिक वेलबींग, उसको अच्छा कर सकते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके वी कैन लिव ए हैप्पियर यानी कि हम अधिक खुशहाल, मोर प्रोडक्टिव, अधिक उत्पादक एंड और मोर फुलफिल लाइफ, और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके हम अधिक खुशहाल, अधिक उत्पादक और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे, उतने ही ज़्यादा हम खुशहाल रहेंगे, उतने ही ज़्यादा हम प्रोडक्टिव रहेंगे, उत्पादक रहेंगे और उतना ही संतुष्टिदायक हम जीवन जिएंगे, ठीक है। तो हेल्थ जो है ये वेल्थ है भैया, स्वास्थ्य ही धन है। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में आपको
आर्टिकल लिखना होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा में लिखे, मतलब बुक से याद करके चले गए रटकर, वो तो वहां पे ऑटोमेटिक आप भूल जाएंगे कुछ ना कुछ लाइनें, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ लिखना है, मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको 3 से 4 पैराग्राफ में लिखना है, ये सबसे मेन है कि आर्टिकल जब भी लिखें थोड़ा अच्छे से इसको प्रेजेंट करें, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो मैंने बताया था 10x10 आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इस टॉपिक पर लेटर लिखना सीखेंगे, यानी कि इस वीडियो में जो एडिटर लेटर होता है उसको हम लिखना सीखेंगे कि आखिर उसको कैसे हम अपनी कॉपी में लिखें, 12th इंग्लिश की कॉपी में। तो देखिए क्या है लेटर राइटिंग, इस टॉपिक पर हम लेटर इस वीडियो में लिखेंगे। टॉपिक क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकैलिटी, यानी कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द एडिटर, एडिटर को, ऑफ ए न्यूज पेपर यानी कि एक समाचार पत्र के, एडिटर का मतलब होता है संपादक को, ठीक है, अबाउट के बारे में फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार ब्रेक डाउन, गुल होने या फिर कटने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन योर लोकैलिटी, अपने इलाके में। तो आपको अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है, जैसे आपके इलाके में बार बार भैया बिजली जा रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग बच्चे होंगे कि उनके इलाके में बिजली ज्यादातर नहीं रहती है, तो उसी से रिलेटेड हमें पत्र लिखना है। तो कैसे लिखोगे, पत्र लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, अगर आप तरीका समझ गए तो आप पत्र बहुत आसानी से लिख लेंगे, कुछ नहीं है, किसी भी टॉपिक पर, कोई जरूरी नहीं है कि बिजली की कटौती पर ही हो सकता है कि पानी पर पत्र लिखना आ जाए, ठीक है, पानी की कमी या फिर पानी की आपूर्ति पर, तो भी आप बड़ी आसानी से लिख देंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए नेक्स्ट पेज यूज करेंगे, क्योंकि पत्र जो है वो पूरा एक पेज में लिखना है, ठीक है हमें। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इस पेज में पत्र लिखेंगे, वैसे जो आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी वो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, उसमें आपके एक पेज में आपका लेटर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मान लीजिए दूसरा पेज भी यूज करना पड़े तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप एडिटर लेटर लिखें तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है कि आप कहाँ से हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं A72 जवाहर नगर, ठीक है, ज्वाला नगर लिख दीजिए, ज्वाला नगर, ठीक, ये हमारा मान लीजिए एड्रेस है, ठीक है, ये हमने एड्रेस डाल दिया, ठीक है। पहले आपको अपना एड्रेस डालना है कि आखिर हम कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए आप मेरठ से हैं तो यहाँ पे मेरठ लिख देंगे, ठीक है, एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं। मेन आपका क्या है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, यानी कि लेटर का जो बॉडी होता है उसको लिखने में, ठीक है। अब देखिए किसको आप लिख रहे हैं वो लिखना है, पहले तो अपना एड्रेस लिखा आपने A72 ज्वाला नगर मेरठ, ठीक है, अब आपको अपना एड्रेस लिखना है। देखिए थोड़ा सा एक लाइन का डिस्टेंस छोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक, यहाँ से लिखेंगे टू द एडिटर, हम लोग एडिटर को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे द एडिटर, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने लिख दिया, ठीक, टू द एडिटर। अब किसको आप लोग लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, तो मान लीजिए जो समाचार पत्र है वो अमर उजाला है, तो यहां पर लिख देंगे द अमर उजाला, अमर उजाला, ठीक है, मेरठ, मेरठ, ठीक है, एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपने इधर का भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, पहले तो हमने क्या किया, एड्रेस लिखा, फिर जिसको पत्र लिखना था उसके बारे में लिखा, ठीक है, अच्छे से। अब क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है, आखिर आप किस सब्जेक्ट पर पत्र लिखना चाहते हैं, लेटर किस सब्जेक्ट पर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर एक हेडिंग डालेंगे थोड़ा लाइन डिस्टेंस करके, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है वो यहां पर, सब्जेक्ट आप ब्लैक से लिखिएगा। अब यहां पे सब्जेक्ट हमारा है फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे भी लिख सकते हैं अगर साइड में आपका स्पेस नहीं है तो, इलेक्ट्रिसिटी,
इसका मतलब बार बार बिजली की कटौती, ठीक है, उस सब्जेक्ट पे हमें पत्र लिखना है। तो इतना आपने लिख दिया, अब लिखना है जैसे देखिए उनको सर कह के आप लोग रेस्पेक्ट दीजिए, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, डियर सर, ऐसे लिखेंगे डियर सर, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। इसको आप ब्लैक या ब्लू कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, जिस टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है वो टॉपिक हम लोग लिखेंगे जिस पर आपको पत्र लिखना है, तो यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है आपकी, किस पर्पज से आप लेटर लिख रहे हैं, डियर सर करके अपनी पूरी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे शो करना है, यानी कि लिखना है, ठीक है। तो डियर सर हमने लिख दिया, अब लिखेंगे आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, ठीक है, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकैलिटी, ठीक है। मतलब आप लोगों को क्या लिखना है कि मैं किस पर्पस से पत्र लिख रहा हूं, इसको आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है, कि आपका पर्पस क्या है। देखिए पर्पस क्या है कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या करना होता है, व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न अपनी चिंता अबाउट के बारे में, द फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार ब्रेक डाउन कटौती ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली इन आवर लोकैलिटी, अपने लोकैलिटी में, ठीक है, इलाके में, तो मैं हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं, मतलब अपनी चिंता वो व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में वो पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। आगे और लिखेंगे फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, ठीक, We have been facing constant power cuts, ठीक है, that have severely impacted our daily lives, ठीक है, यानी कि ये थोड़ी अपनी चिंता और यहां पर व्यक्त करते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स यानी कि पिछले कुछ हफ्तों से वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं कॉन्स्टेंट पावर, ठीक है, यानी कि लगातार कट्स, पावर कट्स यानी कि लगातार बिजली की कटौती का, दैट हैव सेवरली जिसने हमारे दैनिक जीवन में सेवरली कुछ इंपैक्टेड आवर डेली लाइफ्स, हमारी दैनिक जीवन में प्रभावित किया है, यानी कि वो कह रहे हैं आपको लिखना है कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि भैया बिजली, आप कोई भी काम कर रहे हैं अचानक बिजली चली जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फील होता है, ठीक है। तो ये डियर सर करके आपको अपनी चिंता लिखनी है कि मैं किस बारे में पत्र लिख रहा हूं और क्या क्या मुझे फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब आगे लिखना है थोड़ा सा, जैसे इसमें दो तीन लाइन और बढ़ा दीजिएगा, यहीं से लिखेंगे आई अर्ज, थोड़ा नीचे आई अर्ज द अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस
ए है ये, ए एड्रेस, ठीक है। टू एड्रेस दिस इश्यू, दिस ये देखिए ये है, ठीक है, दिस इश्यू एंड इंश्योर दैट, एंड इंश्योर दैट वी हैव ये, वी हैव ए कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है। पहले तो आपने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई कि आखिर मैं क्यों लिख रहा हूं पत्र और किस कारण से लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको लिखना है, देखिए, आई अर्ज द अथॉरिटीज, यानी कि मैं जो है, तो देखिए आई अर्ज यानी कि मैं आग्रह करता हूं द अथॉरिटीज यानी कि अधिकारियों से टू टेक इमीडिएट एक्शन, यानी कि वो तुरंत कार्यवाही करें, ठीक है, टू एड्रेस दिस इश्यू और जो इश्यू है इसका समाधान करें, इस मुद्दे का समाधान करें, एंड इंश्योर और वो सुनिश्चित करें दैट कि वी हैव ये कंसिस्टेंट यानी कि हमारे पास निरंतर एंड रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय सप्लाई आपूर्ति हो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की, ठीक है। तो मैं अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह करता हूँ और मैं ये आग्रह करता हूँ कि वो इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास बिजली की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति हो, ठीक है, यानी कि बिजली की कटौती ज़्यादा ना हो। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, फिर अधिकारियों से क्या करना है, अधिकारियों से थोड़ा आग्रह करना है, ठीक है, फिर उनसे थोड़ा सा और आग्रह करना है, वो हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। आपको एक ही पेज में लिखना होगा लेकिन हमारा पेज थोड़ा छोटा है तो हम नेक्स्ट पेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस आप तरीका समझिए, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे थोड़ा सा और लिखना है, उसी के नीचे आप लिखिएगा, ठीक है, आई होप दैट कंसर्न्ड अथॉरिटीज, ठीक है, अथॉरिटीज विल टेक दिस मैटर मैटर सीरियसली सीरियसली एंड वर्क टूवर्ड्स फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यानी कि अब आपने अपनी प्रॉब्लम बताई और आग्रह भी कर लिया, अब थोड़ा सा लास्ट में लिखना है आई होप दैट, यानी कि मुझे आशा है कि मुझे उम्मीद है कि द कंसर्न्ड अथॉरिटीज यानी कि संबंधित जो अधिकारी हैं विल टेक दिस मैटर सीरियसली, वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे, विल टेक वो लेंगे दिस मैटर इस मामले को सीरियसली गंभीरता से, एंड और वर्क और वो कार्य करेंगे टूवार्ड्स फाइंडिंग यानी कि खोजने की, ठीक है, की ओर खोजने की ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, ठीक, टू दिस प्रॉब्लम इस समस्या का। तो कह फिर आपको कहना है कि मुझे उम्मीद है कि जो इससे संबंधित अधिकारी हैं वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे और हमारे जो समस्या इसके समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे, ठीक है। इतना आपने लिख दिया, अब आपको लास्ट में लिखना है सिंसियरली, ठीक है, ऐसे लिख देना है, जैसे इसमें आपको नाम बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, लास्ट में केवल अपना वो लिख देना है एड्रेस, फिर यहाँ पे आपका लेटर फिनिश हो जाएगा, लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, फिर आपको लिखना है योर सिंसियरली, ठीक है, योर सिंसियरली,
यानी कि आपका आज्ञाकारी, ठीक है, आपका आज्ञाकारी नाम आपको नहीं लिखना है यहां पे, ऐसे लिख दीजिएगा एक्स वाई जेड, ठीक, ऐसे मतलब लिख दीजिएगा, नाम मत लिखिएगा, ठीक। तो ऐसे आपको लास्ट में लिख देना है कि आपका आज्ञाकारी या ईमानदारी से, ठीक है, एक्स वाई जेड, बस हो गया। तो ऐसे आपको लेटर पूरा लिखना होता है, मैंने आपको पूरा जो टोटल लेटर कैसे लिखते हैं सारा का सारा बताया, यानी कि आपको करना क्या है, स्टार्टिंग से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहले आपको एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के टू द एडिटर, आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको लिखना है, ठीक है, टू द एडिटर द अमर उजाला मेरठ, ठीक है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस सब्जेक्ट पर लेटर लिख रहे हैं, तो हम फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बार बार बिजली के गुल होने पर हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपको डियर सर करके लिखना है अपनी प्रॉब्लम को। अब देखिए, जब आप लेटर लिखें तो जो उसकी बॉडी है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, जो प्रॉब्लम और जो आपने अनुरोध किया है, ये लेटर का बॉडी होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हमने लिखा आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, यानी कि मैं हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम साथ में लिख रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स वी हैव बीन फेसिंग कॉन्स्टेंट पावर कट्स दैट हैव सेवरली इम्पैक्टेड आवर डेली लाइफ, यानी कि पिछले कुछ हफ्तों में से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आई अर्ज द अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इश्यू एंड इंश्योर दैट वी हैव ए कंसिस्टेंस एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आई अर्ज, मैं आग्रह करता हूँ अधिकारियों से, यानी कि मैं अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह करता हूँ, ठीक है, और इस मुद्दे के समाधान, और मैं आग्रह करता हूँ कि वो इस मुद्दे का समाधान करें। देखिए, एड्रेस दिस इश्यू एंड इंश्योर दैट, और वो सुनिश्चित करें कि वी हैव ए कंसिस्टेंट, यानी कि हमें हमारे एक निरंतर एंड रिलायबल और विश्वसनीय सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की आपूर्ति हो, तो हम इस मुद्दे का समाधान वो करें और सुनिश्चित करें कि हमारे पास बिजली की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा आपको उनसे और रिक्वेस्ट करना है नीचे, ये मैंने लिख रखा है, देखिए इसी में इसको ऐड कर देते हैं। फिर लिखेंगे आई होप दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक दिस मैटर सीरियसली एंड वर्क टुवर्ड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यानी कि मुझे उम्मीद है कि संबंधित जो अधिकारी हैं वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे और समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे। फिर आपको लिखना है थैंक यू, धन्यवाद, योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी या ईमानदारी अभिनव एक्स वाई जेड, ठीक, नाम आपको नहीं लिखना है। तो ये आपका पूरा लेटर होगा कि आपको लेटर कैसे लिखना है, ठीक है। अगर इस तरह से लेटर राइटिंग करोगे तो आपको 10 में 10 पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा सेक्शन सी जो है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, इसका फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सी सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि उसने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो सबसे पहले जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो आपको ये देखना है, देखिए ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। तो इनवर्टेड कामा के अंदर हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि आखिर ये कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है या ऑप्टेटिव है, ठीक है, आपको ये पहले ध्यान देना है। तो देखिए, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच, ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी चीज, कौन सा टेंस है, तो ये इज एम आर है। और आपको पता है अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर आता है तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो वाज बेयर में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहां पर इज आर एम वाज बेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि एक रूल है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हमेशा सत्य रहने वाली बात आती है तो वहां हम टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, देखिए ये सच है और हमेशा सच ही रहेगी, तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अगर हमेशा सत्य रहने वाली बातें या ऐतिहासिक बातें आती हैं तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। तो इसको लिखेंगे सी, सैड का सैड ही रहने देंगे मेरे स्टूडेंट्स। बीच में क्या लगाएंगे, देखिए जब हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, दैट, ठीक है। बाकी को ऐसे लिख देना है, ऑनेस्टी इज द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, पॉलिसी।
बस ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमेशा सत्य रहने वाली बातें जब आएंगी ना, तो उसको हम इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो वो भैया उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपको कोई कहे कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो भैया वो तो सबको पता है, द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म है, सबको पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमेशा सत्य रहने वाली बातें, इसमें कोई परिवर्तन हम टेंस में नहीं करेंगे। दूसरा देखिए, इसको समझना होगा आपको। देखिए, ही सैड, उसने कहा, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, यानी कि आइए रिजल्ट का इंतजार करें, चलो चले रिजल्ट का इंतजार करें। देखिए लेट अस है, इसका मतलब आओ चले या चलो चले, ठीक है। तो ही सैड, उसने कहा, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, आइए रिजल्ट का इंतजार करें, ठीक। तो ये कौन सा टेंस है? देखिए सबसे पहले आप पहचानिए ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लेट अस में, देखिए जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लेट अस का यूज हम इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। दूसरी चीज, टेंस तो आपको इसमें देखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर लिखेंगे ही। अब देखिए वो कह रहा है कि लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, आइए रिजल्ट का इंतजार करें, तो वो सजेस्ट कर रहा है या प्रपोज कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग दोनों का यूज कर सकते हैं, चाहे सजेस्ट का यूज कीजिए चाहे प्रपोज्ड का यूज कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही प्रपोज्ड, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो हम भैया इंपरेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, अगर लेट अस से आपका सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है तब हम दैट का यूज करेंगे। अगर लेट अस से प्रारंभ हो रहा है तो दैट का यूज करेंगे, और लेट अस को हटाकर बी शुड या दे शुड का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में वैसे तो हम टू का यूज करते हैं, या निगेटिव है तो नॉट टू का यूज करेंगे, लेकिन अगर लेट अस से प्रारंभ होता है आपका सेंटेंस, लेट से प्रारंभ होगा तब भी टू का यूज करेंगे, लेकिन अगर लेट अस से प्रारंभ होगा तो लेट अस को हटाकर पहले तो कंजक्शन दैट लिखेंगे, उसके बाद में दे शुड या बी शुड लगाएंगे। यहां पर दे शुड कर देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, आइए रिजल्ट का इंतजार करें, मतलब कई लोग हैं। अस का मतलब क्या है, कई लोग, ठीक है। अस हम बी के लिए यूज करते हैं, मतलब कई लोग हैं, तो दे शुड या बी शुड का यूज करेंगे। वैसे भी अस जो है बी से रिलेटेड है, ठीक है। तो दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट, फॉर द रिजल्ट, ठीक। बस ऐसे आपको कर देना, ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट, बस हो गया, ठीक, समझ में आ गया। तो ये था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का दो क्वेश्चन, मतलब हम सबके दो दो क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे, ध्यान रखिएगा, दो दो क्वेश्चन एक एक टॉपिक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा। अब आते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पर। देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में तो आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना था, बट इसमें आपको क्या करना है, देखिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और जो ब्रेकेट में दिया गया वही हमें बनाना है। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोल रहा है, इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है, या फिर यह साफ है। तो दो सेंटेंस है, देखिए फुल स्टॉप लगा है, ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। वो भी कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब जो ब्रेकेट में दिया गया है उसी में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो ऊपर कहा जा रहा है वही नीचे भी होना चाहिए। तो ही इज टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोल रहा है, इट इज क्लियर, यह अस्पष्ट है। तो इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, लिखेंगे इट इज क्लियर, पहले इट इज क्लियर लिखेंगे, बीच में दैट लगाएंगे, दैट, ठीक है। बाकी हम अब फर्स्ट वाला सेंटेंस लिख देंगे, ही इज टेलिंग ए लाई, बस ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स में, इट इज क्लियर दैट ही इज टेलिंग ए लाई, यह अस्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है। ऊपर क्या था, वह झूठ बोल रहा है, यह अस्पष्ट है, नीचे है, यह अस्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, बट हमने इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया है, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना दिया है, दैट्स द सिंथेसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए भैया, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, चीजों को समझिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए आप लोग, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे, ट्वेल्थ में पहुंच चुके हैं, थोड़ा बहुत आपका दिमाग विकसित होना चाहिए, तभी आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। अगर व्हाट्सएप होता, फेसबुक होता, इंस्टाग्राम रील्स होता तो सबको अच्छा लगता, मतलब उसको स्क्रॉल करने में, देखने में बहुत मजा आता है। भैया पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई कर लीजिए, वो सब देखने का समय बहुत है, ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है सिंथेसिस का। राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, यानी कि राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवार, वो मेवार के राजा थे। तो राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, वो मेवार के राजा थे। इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में, तो इसको कैसे बदलेंगे देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले हम लिखेंगे कौन वीर योद्धा थे, राणा प्रताप। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राणा प्रताप, ठीक है। फिर वो क्या थे, उनकी विशेषता हम पहले ऐसे कॉमा लगाएंगे, फिर उनकी विशेषता लिखेंगे। वो क्या थे, द किंग ऑफ मेवार, द किंग ऑफ मेवार, ठीक है। फिर ऐसे लगाएंगे इनवर्टेड कॉमा। अब लिखेंगे वो क्या थे, वो आज ये ब्रेव वॉरियर, वाज ये ब्रेव वॉरियर, ठीक है। तो देखिए क्या था, राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, वो मेवार के राजा थे। मैंने क्या लिखा, राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवार वाज ए ब्रेव वॉरियर, यानी कि राणा प्रताप मेवार के राजा एक वीर योद्धा थे। मतलब वही चीज है सेम, बस मैंने क्या किया इसको सिंपल में बदलना था, तो मैंने कॉमा लगाकर इनकी जो ये जो थे इनका जो पदवी था उसको मैंने यहां पर लिख दिया है और बाकी उनकी विशेषता यहां पर लिख दी है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। दो सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक सेंटेंस बना दिया, वो भी सिंपल सेंटेंस। समझ में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, तो दो क्वेश्चन हमारा सिंथेसिस का भी हो चुका है। अब चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मतलब सेंटेंसेस को इसमें ट्रांसफॉर्म करना होता है। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, ट्रांसफॉर्म करना। तो फिर देखिए, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया बियर एज ग्रेट एज रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि भारत के बहुत कम कवि रविंद्रनाथ टैगोर जितने महान हैं, ठीक। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री में दिया गया, इसको बदलना है सुपरलेटिव डिग्री में। यहां पे डिग्री को एक्सचेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री दिया गया, इसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन थे, देखिए कहा गया कि भारत के बहुत कम कवि रविंद्रनाथ टैगोर जितने महान थे। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, हम ईएसटी लगाते हैं, जो उनका जैसे वो ग्रेट थे तो ग्रेट में ईएसटी लगाएंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे कौन महान थे, रविंद्रनाथ टैगोर, तो लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर वाज, ठीक है, वाज वन ऑफ द greatest poets of India। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महानतम कवियों में से एक हैं। तो सुपरलेटिव में मैंने क्या किया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब इनकी जो विशेषता है उसमें ईएसटी लगा देना है और द आगे लगा देना है, ठीक है। मतलब आपको पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट दूसरा देखिए, दूसरा है ही इज वेरी एक्सीलेंट टीचर, वो बहुत उत्कृष्ट शिक्षक हैं। एक्सीलेंट का मतलब उत्कृष्ट होता है या बहुत अच्छे शिक्षक हैं। इसको बदलना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, कैसे बदलोगे, तो लिखेंगे इस प्रकार से हाउ एन, अब इनकी विशेषता लिखेंगे एक्सीलेंट टीचर, और ही जो है अब हम यहां पे लगाएंगे ही इज, देखिए एक्सक्लामेटरी कुछ इस प्रकार से हम करते हैं, हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज, वो कितने उत्कृष्ट शिक्षक हैं। ऊपर क्या था, वो बहुत उत्कृष्ट शिक्षक हैं, ठीक है। नीचे क्या है, वो कितने उत्कृष्ट शिक्षक हैं, मतलब मीनिंग सेम है, बट मैंने इसको एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट कर दिया है, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको सेंटेंस दिया रहेगा, ब्रेकर में जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर पैसिव वॉइस में दे दिया गया तो आप पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया ये भी ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, मतलब आपको सेंटेंस दिया गया है इसमें कुछ गलती होगी उसको सही करके लिखिए, यही है भैया सिंटैक्स। जैसे देखिए फर्स्ट है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, यानी कि उन्होंने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दी। भैया आप टॉपर बन गए तो हम भी आपको बधाई देंगे,
ठीक, आप अगर अच्छे नंबर लाएंगे, टॉपर बनेंगे, तो आपके गांव वाले, आपके रिश्तेदार, सभी लोग आएंगे, अरे बच्चा कैसे पढ़ता था, टॉपर बन गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपको बधाई देने आएंगे। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दी। तो इसमें गलती क्या है? देखिये सिंटैक्स में आपको क्या करना होता है, सेंटेंस दिया गया है, इसमें गलती है, उसको सही करके लिखना होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे गलती क्या है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ठीक है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेटेड है, मी है, तो ऑफ, यहां पर फॉर का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे, ऑन माई सक्सेस, ठीक है, फॉर को हटाकर ऑन करेंगे, क्योंकि ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उन्होंने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दी। ठीक है, तो ये आपका सही होगा, मतलब फॉर के जगह पर ऑन कर देना। दूसरा देखिए, दूसरा है, राम बीट्स हिम बाई ए स्टिक, यानी कि राम उसे एक छड़ी से पीटता है। देखिए बीट्स मतलब आपके वर्ब में एस या ईएस लगा है, तो यहां पर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, तो राम उसे छड़ी से पीटता है। लेकिन देखिए छड़ी से या किसी वस्तु से कोई किसी को पीट रहा है, तो बीट्स के साथ हिम के साथ बाई बाई नहीं लगाएंगे, बिथ लेंगे, ठीक है, तो राम beats him with ये stick, by का यूज नहीं करेंगे, with ये stick, ठीक है, अब ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो राम beats him with ये stick, समझ में आया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, तो ये सिंटैक्स भी समझ में आ गया, इसमें सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें गलती रहेगी, सही करके लिखो, नंबर ले जाओ। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भैया आइडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं ना मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वैसे इंग्लिश में आइडियम्स एंड फ्रेजेस होती हैं। मतलब मुहावरे एवं लोकोक्तियों में क्या होता है हिंदी में बताइए, पहले आपको उसका मीनिंग लिखना होता है जो दिया रहता है क्वेश्चन, फिर उसका वाक्य प्रयोग करना होता है सेंटेंस में यूज, वैसे ही यहां पे भी करना है, पहले इसका मीनिंग लिखना है, फिर इसको सेंटेंस में यूज करना है, आपको नंबर दे दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट देखिए, ए बेड ऑफ रोजेस, ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज। ठीक, तो यहां पे आप इसका इंग्लिश लिखेंगे एन इजी, देखिए इंग्लिश में आप लिखिएगा, जैसे हिंदी में आप हिंदी में लिखते हैं ना, तो ऐसे इंग्लिश में लिखिएगा, एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि फूलों की सेज इसका मतलब होता है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि एक आसान और आरामदायक स्थिति। ठीक, वही मतलब फूलों की सेज। तो देखिए जो हमारी लाइफ है भैया, ये फूलों की सेज नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम। ठीक, तो देखिए लिखेंगे लाइफ, इसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। देखिए इसको ब्लैक्स में कर देता हूं, नॉट ए बेड ऑफ roses, ठीक, बस ये आपका हो चुका है। ठीक, सेंटेंस में यूज हो चुका है, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका मीनिंग लिखना है, फिर उसको सेंटेंस में यूज करना है, मतलब इसी क्वेश्चन को इस सेंटेंस में यूज करना है। कोई ऐसा सेंटेंस लीजिए जिसमें ये यूज हो जाए, कोई जरूरी नहीं है जो एग्जाम्पल मैंने लिया है सेम आप वही ले, ऐसा कहीं नहीं लिखा, दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो ये बेड ऑफ रोजेज, इसका मीनिंग होगा एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि फूलों की सेज या फिर एक आसान और आरामदायक स्थिति। लाइफ इज नॉट ये बेड ऑफ रोजेज, जो जीवन है ये फूलों की सेज नहीं है, यानी कि ये आसान और आरामदायक स्थिति नहीं है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके पास पैसा है वो खुश है, लेकिन सब पैसा ही सब कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पैसा बहुत हो जाए, हेल्थ आपका अच्छा ना रहे तो क्या होगा, परिवार में खुशी ना रहे तो क्या होगा, पैसे लेकर क्या करेंगे, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा बहुत कुछ खरीद कर थोड़ा आनंद ले सकते हैं, बट पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि बहुत प्रिय, वेरी डियर, जैसे आपने उसमें देखा है ना आंखों का तारा, ठीक है, वैसे इसमें वेरी डियर, यानी कि एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि वेरी डियर, बहुत प्यारा, आंखों का प्यारा मेरा। ठीक है, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे, इसका वाक्य प्रयोग टू ए मदर इवन ये बैड चाइल्ड इज द
एप्पल एप्पल ऑफ हर आई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारी बात है यहाँ पे, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। टू ए मदर इवन ये वाइट चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ आई, यानी कि टू ए मदर एक माँ के लिए इवन ये वाइट चाइल्ड एक बुरा लड़का भी इज द एप्पल ऑफ हर आई, उनकी आंखों का तारा होता है। तो एक माँ के लिए उसका एक बुरा बच्चा भी, उसका एक बुरा बेटा भी उसकी आंखों का तारा होता है। मतलब बेटा कितना भी बेकार क्यों ना हो, कितना भी नालायक क्यों ना हो, अपनी माँ के लिए, उसकी माँ के लिए वो आंखों का तारा होता है। ठीक है, बहुत प्यारा होता है, सबकी माँ सबसे प्यार करती है। ठीक है, सबको पता है, समझ में आए, और पिताजी को मत छोड़िएगा, वो भी बहुत प्यार करते हैं। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट। ठीक, आइडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आ गया। वैसे आप में ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, हो सकता है कि एप्पल ऑफ वंस आई, इसका सही मीनिंग क्या होगा, तो ये सब आपको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। मतलब विपरीतार्थक शब्द, जैसे देखिए ऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, आपसे कोई ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, आपसे कोई पूछे इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका एंटोनिम्स होगा डिसऑनेस्ट, बेईमान। मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे देखिए एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है पुराना। ठीक है, एंशियंट का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक। ठीक, या नया। ठीक, तो एंशियंट का मतलब पुराना, मॉडर्न का मतलब आधुनिक। ठीक, मैं एक ही का मीनिंग यहां पे लिख रहा हूं, एक का आप समझ लीजिएगा। दूसरा देखिए बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, तो इसका क्या होगा, टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, तो कोई बहादुर है भैया, कोई है डरपोक। ठीक, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, विपरीतार्थक शब्द। समझ में आ रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द को लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे आपका सिनोनिम्स आता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनके मीनिंग सेम होंगे। जैसे आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, देखिए ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सिनोनिम्स हैंडसम लिख सकते हैं, हैंडसम लिख सकते हैं, चार्मिंग लिख सकते हैं, चार्मिंग, एक और लिख सकते हैं प्रेटी, प्रेटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेटी, समझ में आया, प्रीति नहीं प्रेटी। ठीक है, तो ये इसका मतलब भी होता है सुंदर। ठीक, समझ में आया, या बहुत अच्छा। तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, हैंडसम चार्मिंग, प्रेटी का मतलब भी सुंदर। जैसे हैंडसम लोग होते हैं भैया, पता नहीं मैं हूं कि नहीं हूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे। ठीक, समझ में आया, तो ये आपका हो जाए। दूसरा देखिए कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, तो देखिए एडमिट का मतलब भी स्वीकार करना होता है, एडमिट। उसके बाद में एक्सेप्ट का मतलब भी स्वीकार करना होता है। ठीक है, तो कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, एडमिट और एक्सेप्ट का मतलब भी होता है स्वीकार करना। ठीक, तो दैट्स अ सिनोनिम्स विथ इस अदर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भैया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एथीस्ट। एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। भैया जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक बोला जाता है। ठीक है, जो अपनी वाली करे, कहे भगवान नहीं होते, ऐसा वैसा होता है, तो वो नास्तिक होता है, एथीस्ट। ठीक, दूसरा देखिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरा देखिए ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि एक आदमी का दूसरों के द्वारा लिखा गया एक आदमी का जीवन इतिहास, उसको बोलेंगे बायोग्राफी। क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। जीवनी आपने पढ़ा होगा, जीवन परिचय, बायोग्राफी। तो जीवन परिचय जो होता है ये दूसरों के द्वारा ही लिखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मृत्यु भी लिखी रहती है। और भैया कोई कभी अपनी मृत्यु कैसे लिख सकता है कि मैं ये मेरी डेथ हो चुकी है, भैया दूसरों के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो बायोग्राफी होगा। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैंने हिंदी टू इंग्लिश को अब लिया है, लेकिन यहाँ पे एक और टॉपिक था, वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स है अभी आप में, तो मैंने इस वीडियो में उसको नहीं लिया, इसके लिए सॉरी। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि भैया जो स्टार्टिंग के 9 टॉपिक मैंने बताए थे, सिर्फ वही है आपके ग्रामर में। देखिए 25 नंबर में 2 नंबर कम रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका होमोफोन्स मैंने ऐड नहीं किया है उसको। ठीक है, तो होमोफोन्स आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा, ये मैं आगे के वीडियोज में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ग्रामर में आपका होमोफोन्स भी आता है, लेकिन उसको मैंने यहाँ पर अवॉइड कर दिया है। अब चलते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पे। ठीक है,
तो देखिए हिंदी और टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिए, ये ऐसे हिंदी का एक पैसेज दिया जाएगा, इतना बड़ा रहे या छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको करना होगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, देखिए आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब ढूंढना आना चाहिए। तो देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, कौन कृषि प्रधान देश है, कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, तो भारत, ठीक है, तो भारत के लिए हम लिखेंगे इंडिया, इंडिया, ठीक है। और ये कौन सा सेंटेंस है, देखिए कृषि प्रधान देश है, ये इज आर एम है, तो इंडिया इज, ठीक है, क्या है वो, क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, एन एग्रीकल्चरल, देखिए कृषि प्रधान का मतलब होता है एग्री कल्चरल कल्चरल कंट्री, ठीक है, ये आपके फर्स्ट वाले सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट होगा, मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है, यानी कि इंडिया भारत इज है एन एक एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान कंट्री देश, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, तो यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, कौन खेती की ओर ध्यान दें, पढ़े लिखे लोग, तो पढ़े लिखे लोग आपका सब्जेक्ट होगा, तो पहले हम इसको लिखेंगे, तो पढ़े लिखे लोग का इंग्लिश क्या होगा बताइए। देखिए यहां पर एक चीज और है, क्या कहा जा रहा है कि यदि यहां पढ़े लिखे लोग, तो यदि आगे लगा तो पहले इफ लिखेंगे, इफ, ठीक है, फिर यहां का इंग्लिश लिख, इफ देखिए कौन आप लगाएंगे सब्जेक्ट, कौन पढ़े लिखे लोग, तो इफ द एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग का मतलब होता है द एजुकेटेड, एजुकेटेड, लोग का लिखेंगे पीपल, ठीक है, लोग का लिखेंगे पीपल, तो इफ द एजुकेटेड पीपल, यदि यदि पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, ठीक है, ध्यान देना का होता है पे अटेंशन, अटेंशन, ठीक है, किसकी ओर, टू एग्रीकल्चर, टू एग्रीकल्चर मतलब खेती की ओर, टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल यहां पे यल लगा दीजिएगा, ठीक है, कल्चर, ठीक है, तो इफ द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर, यानी कि यदि यहां के पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोग गरीब, तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, तो का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे देन, ठीक है, क्या दूर हो सकती है हम लोगों की गरीबी, तो आवर पावर्टी, हमारी पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, आवर पावर्टी, ठीक है, दूर हो सकती है, सकता है, सकती है, तो कैन लगाएंगे, कैन बी, दूर होना का होता है रिमूव्ड, रिमूव्ड, ठीक है, तो क्या कहा गया था कि अगर यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है, तो इफ द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर देन आवर पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, कहां सुधार की जरूरत है, हमारे गांव में, ठीक है, तो आवर ब्लेज, आवर विलेज, ठीक है, जरूरत का होता है नीड, तो आवर विलेज नीड्स इंप्रूवमेंट, यानी कि सुधार की, ठीक है, इंप्रूवमेंट, तो हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, तो आवर विलेज नीड्स इंप्रूवमेंट, यानी कि हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। एक एक सेंटेंस को आप लोग करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, बट आपको देखिए अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो आपको वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, जैसे सामाजिक का सोशल होता है, जीवन का लाइफ होता है, ठीक है, ये सब शिक्षित का एजुकेटेड होता है, ये सब पता होगा तभी आप कर पाएंगे। आगे देखिए क्या है, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, कौन रहने लगेंगे, शिक्षित व्यक्ति, तो जब, जब का लिखेंगे व्हेन, ठीक है, व्हेन, कौन रहने लगेंगे, शिक्षित व्यक्ति, तो व्हेन द एजुकेटेड, व्हेन एजुकेटेड पीपल, व्हेन एजुकेटेड पीपल, ठीक है, व्हेन एजुकेटेड पीपल, जब शिक्षित लोग गांव में रहने लगेंगे, रहने, रहना का क्या होता है बताइए, रहना का होता है लिविंग, ठीक है, तो रहने लगेंगे है गा है गी है गे है, तो बिल लगेगा, ये आपका सेल बिल वाला आ गया, तो व्हेन एजुकेटेड पीपल बिल स्टार्ट लिविंग, स्टार्ट
लिविंग, यानी कि रहने लगेंगे इन द ब्लेजेज गांव में, इन द ब्लेजेज, ठीक है। तो जब शिक्षित लोग गांव में रहने लगेंगे, व्हेन एजुकेटेड पीपल विल स्टार्ट लिविंग इन द ब्लेजेज, तो क्या होगा, तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, तो का लिखेंगे देन, ठीक है। देन क्या बदल जाएगा, सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन का होता है द सोशल लाइफ, द सोशल लाइफ, ठीक है, द सोशल लाइफ किसका, गांव के लोगों का, ऑफ दोज गांवों का, ऑफ दोज विलेजेस, विलेजेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, उसका सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, मतलब कंप्लीटली बदल जाएगा। तो बिल चेंज बदल जाएगा, पूरी तरह का मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो क्या कहा गया था, ध्यान से समझिएगा, देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको समझना है, मैं समझा रहा हूं। देखिए क्या कहा गया कि जब शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो देखिए, व्हेन एजुकेटेड पीपल विल स्टार्ट लिविंग इन द विलेजेस देन द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस विल चेंज कंप्लीटली, ठीक। तो ये इसका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहता है। तो देखिए पहले लिखेंगे स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, तो देखिए देखिए स्कूल की पढ़ाई, यानी कि स्कूल की पढ़ाई, पढ़ाई का क्या होगा बताइए, एजुकेशन, ठीक है, पूरी करके यानी कि कंप्लीट करके, देखिए पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे हम लोग, देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग, करके या करने के बाद आप बोल सकते हैं, तो आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, द स्कूल एजुकेशन, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करके क्या कहा गया, इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहता है। कौन प्रवेश करना चाहता है, हर एक विद्यार्थी, ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट चाहता है, मतलब वांट, ठीक है, टू टेक, क्या करना चाहता है, प्रवेश करना, एडमिशन इन किसमें, विश्वविद्यालय में, यानी कि यूनिवर्सिटी, इन दिनों का हो जाएगा दीज डेज। तो यहां पर लिखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करके हर एक स्टूडेंट विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो लिखेंगे हर स्टूडेंट का क्या होगा, एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, वो एडमिशन लेना चाहता है किसमें, विश्वविद्यालय में। तो स्टूडेंट वांट, चाहता है, वांट्स टू टेक, लेना, टू टेक, प्रवेश लेना, एडमिशन, प्रवेश, एडमिशन किसमें, एडमिशन लेना चाहता है, इन यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय में, इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। कब, दीज डेज, मतलब इन दिनों, दीज डेज, ठीक। तो आपका क्या था यहां पे, देखिए हिंदी का क्या था, देखिए स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करके एवरी स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी वांट्स, चाहता है, टू टेक, लेना, एडमिशन, प्रवेश इन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में, दीज डेज, इन दिनों। तो स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। आगे देखिए, यह धारणा उचित नहीं है, क्या उचित नहीं है, यह धारणा, तो धारणा का देखिए यह का लिखेंगे दिस, धारणा का हम लोग लिखते हैं assumption, this assumption, this assumption is not, उचित का होगा करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, तो यह धारणा उचित नहीं है, दिस assumption इज नॉट करेक्ट, ठीक। आगे देखिए क्या है, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, किसको विचार करना चाहिए, स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो लिखेंगे पहले स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चाहिए आ गया है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे शुड, ठीक है। क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, तो विचार का हम लोग लिखेंगे थिंक, थिंक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुड थिंक, यानी कि स्टूडेंट को विचार करना चाहिए किस पर, देखिए किस पर करना चाहिए, इन विषयों पर, तो यानी कि अबाउट दीज टॉपिक, अबाउट दीज
टॉपिक्स, ठीक है, प्रॉपरली, यानी कि अच्छे से प्रॉपरली। तो देखिए क्या है, स्टूडेंट शुड थिंक अबाउट दिस टॉपिक प्रॉपरली, यानी कि विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तभी का होता है देन, ठीक है, तो ओनली देन, देन लिख दीजिए, देन कौन सामना कर सकेंगे, वे, दे कैन, सकते हैं, ठीक है, सामना करना का होता है बोल्ड, देखिए पहले बोल्डली लिखेंगे यानी कि बहादुरी से बोल्डली, ठीक है। अब फेस, फेस का मतलब होता है सामना कर सकेंगे, द फ्यूचर यानी कि भविष्य का, द फ्यूचर, ठीक है। तो क्या था आपका कि विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को शुड चाहिए थिंक विचार करना अबाउट के बारे में दिस टॉपिक इन विषयों पर प्रॉपरली ठीक से, तो विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। देन तभी दे कैन बोल्डली फेस द फ्यूचर, तभी वे बहादुरी के साथ, देखिए देन तभी दे वे कैन बोल्डली बहादुरी से फेस सामना कर सकेंगे द फ्यूचर यानी कि भविष्य का, तो तभी वे भविष्य का बहादुरी से सामना कर सकेंगे। तो देखिए मैंने आपको अच्छे से बताने का पूरा प्रयास किया कि आप लोग हिंदी टू इंग्लिश समझ सकें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश प्रोज के क्वेश्चंस को। अब हमने अभी आपको बताया कि इंग्लिश प्रोज से आपको दो क्वेश्चन करने होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे आप लोग करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा जो कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब भैया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही है, ठीक है, द लास्ट लेसन से, देखिए चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और हमारे इंग्लिश में ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हेमल ने, देखिए व्हाट डिड, क्या एम हेमल, एम हेमल ने से कहा अबाउट के बारे में द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा की, तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो एम हेमल है भैया ये एक टीचर थे, ठीक है, इन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, तो बहुत ज्यादा तारीफ किया इन्होंने, देखिए ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच, फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लैंग्वेज, भाषा इन द वर्ल्ड यानी कि संसार की, तो उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा बताया कि फ्रेंच जो है बहुत खूबसूरत है, जैसे हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, ठीक है, तो हम लोग हिंदी को बहुत खूबसूरत कहेंगे, वैसे भैया ये फ्रेंच को सबसे खूबसूरत भाषा इन्होंने बताया, ठीक है। आगे देखिए, ही सैड, उन्होंने कहा दैट कि इट, यह वाज है द क्लियरेस्ट था, ठीक है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक लैंग्वेज भाषा, तो उन्होंने इस भाषा को सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा भी कहा, ठीक है, मतलब उनका कहना है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे खूबसूरत भाषा है दुनिया की, और ये उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट और सबसे लॉजिकल यानी कि सबसे तार्किक भाषा है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो बच्चे देखे होंगे उनको सबको पता होगा, ठीक है, देखे होंगे, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं भैया सर्च करके देख लो, ठीक है, सारी चीजें सर्च करने पर आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इंग्लिश हो हिंदी हो कुछ भी हो सब आपको दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे दूसरे चैप्टर से है, क्योंकि दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, तो ये हमारे दूसरे चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से है। देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद शहर किस कारण से प्रसिद्ध है, ठीक है, व्हाट मेक्स, क्या बनाती है द सिटी, शहर को आप फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को फेमस, प्रसिद्ध, यानी कि फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध क्या बनाती है, या फिर फिरोजाबाद शहर किस कारण से प्रसिद्ध है, तो भैया इसमें देखिए चूड़ियां बनाने का काम होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद इज है फेमस, प्रसिद्ध फॉर, के लिए, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कि कांच बनाने के उद्योग के लिए, ठीक है, तो फिरोजाबाद जो है ये कांच बनाने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे जो कांच के उद्योग है बहुत ज्यादा है, ठीक है, कांच के बिजनेस, जो कांच की चूड़ियां बनती है, चूड़ियां तो पता ही होगा, ठीक है, लड़कों को भी लड़कियों को भी, और लड़कियों को भरी भात पता होगा। आगे देखिए, एवरी अदर फैमिली, यानी कि एवरी, हर एक अदर, अन्य फैमिली, परिवार, हियर, यहाँ, इज इंगेज्ड, लगा हुआ इन मेकिंग बैंगल यानी कि चूड़ियां बनाने में, तो यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने का काम करता है, ठीक है,
मतलब लगभग सभी लोग चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं, वही उनका बिजनेस है फिरोजाबाद में। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, इट या इज है फेमस प्रसिद्ध फॉर के लिए, इट्स अपने बैंगल्स चूड़ियों के लिए, तो ये अपनी चूड़ियों के लिए भैया प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। ठीक है, जो चूड़ियाँ बनती हैं ज़्यादातर फिरोजाबाद में बनती हैं, और ये लड़कियाँ या फिर जो औरतें होती हैं उसको बहुत अच्छे से पहनती हैं। ठीक है, श्रृंगार का ये एक साधन है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर किस कारण से प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद कांच के उद्योग के लिए फेमस है, एवरी अदर फैमिली हियर इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने का काम करता है, इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये अपने चूड़ियों के लिए फेमस है, चूड़ियां चूड़ियां बस चूड़ियों के लिए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ठीक, तो दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। देखिए यही दो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है उनको भी पढ़ना होगा, टेंशन मत लीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा, नो टेंशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने प्रोज से। ठीक, अब देखिए अब हम प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन, चूंकि आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा, दो दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। क्या है कि व्हाट कंडीशन, किन परिस्थितियों ने कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है भटकने के लिए। ठीक है, मतलब मजबूर, मजबूर होना। ठीक है, साहेब साहेब को टू वांडर भटकने के लिए इन द स्ट्रीट, यानी कि सड़कों पर, आप दिल्ली दिल्ली के, फॉर रैग पिकिंग यानी कि कूड़ा बीनने के लिए। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि किन परिस्थितियों ने साहेब को कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली की सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर किया, मतलब आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने साहेब को मजबूर कर दिया दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए। देखिए भैया मैं कहता हूं बार बार कि अच्छे से पढ़ लो, नाम इनका साहेब है, अंदर गरीबी भरी पड़ी है। ठीक है, तो ऐसा मत करो कि नाम आपका राजा रहे और आप गरीब रहे, पढ़ाई कर लो ताकि आगे चलकर आप भी अमीर रहें। ठीक है, नहीं तो नाम आपका राजा रखा देंगे और गरीबी झेलोगे। तो आज पढ़ाई कर लो, समय है, जो समय है उसको आप लोग कीजिए, घूमने टहलने मूवीज देखने का तो टाइम आगे बहुत मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट कंडीशन कंपेल्ड साहेब टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, यानी कि किन परिस्थितियों ने साहेब को दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए मजबूर कर दिया, कूड़ा बीनने के, भटकने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो कुछ परिस्थितियां थी। देखिए साहेब जो है ये हमारे सेकेंड चैप्टर में है, तो कूड़ा बीनने वाले जो दिल्ली की सीमापुरी है वहां पे कूड़ा बीनते हैं। तो देखिए साहेब, साहेब हु, जो बिलोंग, जो संबंध रखता है या ताल्लुक रखता है टू द फैमिली, परिवार से, ऑफ रैग पिकर्स यानी कि कूड़ा बीनने वाले। तो कूड़ा बीनने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाला जो साहेब है, वाज था, ये यंग, एक युवा बॉय, लड़का, वांडरिंग, भटक रहा था इन द स्ट्रीट्स यानी कि सड़कों पर, आप दिल्ली दिल्ली के, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो कूड़ा बीनने वाले परिवार से जो संबंध रखने वाला जो साहेब है वो एक युवा लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूमता था। ठीक है, समझ में आया, साहेब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, यानी कि कूड़ा बीनने वाले परिवार से संबंध रखने वाला साहेब, वाज ये यंग बॉय, वो एक युवा लड़का था, वांडरिंग, भटक रहा था इन द स्ट्रीट, सड़कों पर, आप दिल्ली दिल्ली के, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। तो वो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा था। ठीक है, कई सारे दोस्त थे। आगे देखिए, दे वियर द स्क्वेटर्स फ्रॉम ढाका, दे वियर, वे थे। ठीक है, द स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स का मतलब होता है, स्क्वेटर्स का मतलब क्या होता है, फ्रॉम ढाका, स्क्वेटर्स का मतलब होता है अवैध निवासी या फिर जो अतिक्रमणकारी होते हैं, मतलब वो लोग आए थे। ठीक है, तो दे वियर, वे थे द स्क्वेटर्स, अवैध निवासी, फ्रॉम ढाका, ढाका से। ठीक है, मतलब वो बांग्लादेश के ढाका से आए थे। ठीक, तो वे ढाका से आए हुए अवैध निवासी थे। ठीक है, मतलब जो लोग बिना परमिशन के आते हैं दूसरे देश में। ठीक है, अवैध निवासी। आगे देखिए, बांग्लादेश, बांग्लादेश वेयर, जहां द स्टॉर्म, वहां पे तूफान, हैज डिस्ट्रॉयड, उसने नष्ट कर दिया था दियर ग्रीन फील्ड, उनके खेतों को, एड होम्स, उनके घरों को। तो वे बांग्लादेश के ढाका से आए हुए अतिक्रमणकारी थे या फिर आए हुए अवैध निवासी थे, जिनके घरों में, मतलब वो लोग बांग्लादेश में रहते थे, तो जहां तूफान ने उनके हरे भरे घरों
और हरे भरे खेतों और घरों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब वो इसलिए भारत में आए थे क्योंकि बांग्लादेश में रहते थे, वहां पे तूफान आ गया, उनके जो हरे भरे खेत थे, जो उनके घर थे भैया, वो नष्ट हो गए। ठीक है, इसीलिए वो लोग अवैध रूप से भारत में आ गए थे। ठीक है, स्क्वेटर्स थे वो। आगे देखिए, दे बियर सो पुअर, दे बियर वे थे सो पुअर, इतने गरीब, ठीक है, वे इतने गरीब थे दैट की दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा सकते थे। तो वे इतने गरीब थे कि वो स्कूल नहीं जा सकते थे। भैया दो वक्त का खाना रोटी कपड़ा मिलता रहे, बाकी स्कूल में पैसा लगेगा, कैसे देंगे? ठीक है, बिना फीस के तो काम होगा नहीं, एक महीने पूरा, दो महीने पूरा होता है, फर्जी मांगने लगते हैं। आगे देखिए, दियर पेरेंट्स बियर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग ओनली फॉर दियर लिवलीहुड एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग, यानी कि दियर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे, वियर डिपेंड, वो निर्भर थे ऑन रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा बीनने पर। तो उनके माता पिता जो थे वो सिर्फ कूड़ा बीनने पर निर्भर थे, ओनली फॉर दियर लिवलीहुड, ओनली के लिए, फॉर ओनली सिर्फ, फॉर के लिए, दियर अपने लिवलीहुड यानी कि जीविका के लिए, एंड और अनेबल वो असमर्थ थे टू बियर, वियर का मतलब होता है वाहन करने या सहने में, एनी अदर एक्सपेंस किसी और खर्चे को एक्सेप्ट फूडिंग यानी कि भोजन के सिवाय। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दियर पेरेंट्स वियर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग, उनके जो माता पिता थे वो कूड़ा बीनने पर ही डिपेंड थे, ठीक है, उसी पर निर्भर थे, ओनली फॉर दियर लिवलीहुड यानी कि सिर्फ अपनी जीविका के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, ठीक है, भरण पोषण के लिए, एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग, और वो भोजन के अलावा किसी अन्य खर्च को सहन करने में असमर्थ थे। मतलब वो भोजन के लिए पैसे इकट्ठा कर दें वही बहुत है, बाकी अदर खर्चे वो कहाँ से करेंगे, कहाँ से स्कूल की पढ़ाई कराएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे देखिए, इन टोटल दियर पॉवर्टी वाज द प्लाइट दैट कंपेल साहेब एंड अदर लाइक हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, यानी कि इन टोटल, कुल मिलाकर, दियर पॉवर्टी, उनकी गरीबी वाज थी, द प्लाइट दुर्दशा, ठीक है, दैट जो कंपेल साहेब, जो साहेब को मजबूर करती है, एंड अदर्स और अन्य को, लाइक हिम उसकी तरह, टू वांडर भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट यानी कि सड़कों पर, आप दिल्ली दिल्ली फॉर रैग पिकिंग यानी कि कूड़ा बीनने के लिए। तो कुल मिलाकर जो उनकी गरीबी थी वो ऐसी दुर्दशा थी जो साहेब और उनके जैसे अन्य लोगों को कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली की सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर करती थी। मतलब भैया नहीं बीनोगे, नहीं, जो काम है आपका वो नहीं करोगे तो कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ से दो वक्त की रोटी मिलेगी, ये समझ लीजिए। तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा, व्हाट कंडीशन कंपेल्ड साहेब टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, यानी कि किन परिस्थितियों ने साहेब को कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली की सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। तो साहेब वाज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, वाज ये यंग बॉय वांडरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड, यानी कि जो साहेब था, ठीक है, कूड़ा बीनने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाला जो साहेब, वो वाज ये यंग, वो एक युवा बॉय, लड़का था, वांडरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड, जो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूमता था। दियर बियर द स्क्वेटर्स फ्रॉम ढाका, वे ढाका से आए हुए कुछ अवैध निवासी थे, बांग्लादेश वेयर द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड दियर ग्रीन फील्ड एंड होम, वो बांग्लादेश के ढाका से आए हुए निवासी थे जिनके हरे भरे खेतों और उनके घरों को आंधी तूफान ने नष्ट कर दिया था। दे बियर सो पुअर दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वे इतने गरीब थे कि वे स्कूल नहीं जा सकते थे। दियर पेरेंट्स वियर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग, उनके माता पिता कूड़ा बीनने के लिए पर निर्भर थे। ओनली फॉर दियर लिवलीहुड, सिर्फ और सिर्फ अपने जीविका के लिए, एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग, और वे भोजन के अलावा किसी और खर्चे को उठाने के लिए समर्थ नहीं थे, या फिर किसी और खर्चे को सहन करने में समर्थ नहीं थे, असमर्थ थे। ठीक है, इन टोटल दियर पॉवर्टी वाज द प्लाइट, इन टोटल कुल मिलाकर दियर पॉवर्टी वाज द प्लाइट, उनकी जो गरीबी है वो ऐसी दुर्दशा थी दैट जो कंपेल मजबूर करती है साहेब को एंड अदर और अन्य लोगों को लाइक हिम उसकी तरह टू वांडर भटकने के लिए इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली की सड़कों पर फॉर रैग पिकिंग। तो कुल मिलाकर उनकी जो गरीबी थी वो एक ऐसी दुर्दशा थी जो साहेब और साहेब के जैसे अन्य लोगों को दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए भटकने के लिए मजबूर करती थी। ठीक है, ये आपका होगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, तो प्रोज सेक्शन का जो हमारा शॉर्ट आंसर था और लॉन्ग क्वेश्चन था वो फिनिश हो चुका है। अब चलिए पोएट्री पर चलते हैं।
अब देखिए हम देखते हैं स्टैंजा को, पोएट्री में जो हमारा आएगा वो स्टैंजा भैया आएगा, और स्टैंजा पूरे 6 नंबर का रहेगा। इसमें करना क्या होगा, किसी एक पोएट्री के चैप्टर से आपको ये स्टैंजा दे दिया गया, उसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का आंसर दीजिए, एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर, 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर आपको दे दिए जाएंगे मुफ्त में। देखिए समझिए, चैप्टर पढ़े रहेंगे बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिए ये बात है भैया, माई मदर एट 66 चैप्टर का ये स्टैंजा है, जो हमारा पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का। देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, देखिए इसकी जो पोएट्री है, पोएट्स हैं वो कवि, पोएटस हैं वो कमला दास जी हैं, ठीक है, कवित्री हैं। देखिए क्या होता है, वो एक दिन अपने माता पिता से मिलने घर पर गई थी, तो वहां उनकी माता जी 66 ईयर की हो चुकी हैं। देखिए चैप्टर का नाम ये माई मदर एट 66, 66 साल की हो चुकी हैं, तो उनका चेहरा जो है भैया बहुत मुरझाया हुआ सा लग रहा है, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी हैं भाई 66 ईयर की। तो वही उन्हीं की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहती हैं, अपने विरह का वर्णन करते हुए, पढ़ा होगा हिंदी में, ठीक है, वियोग श्रृंगार। तो देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स क्या होता है, कि कवित्री जो है अपने माता पिता से मिलने गई हुई है वहां पे, तो देखिए ड्राइविंग गाड़ी चलाते हुए फ्रॉम माय पेरेंट्स अपने माता पिता के होम घर से टू कोचिन, कोचिन के लिए लास्ट फ्राइडे अगले शुक्रवार को। तो कवित्री जो है वो कोचिन के समीप स्थित, कोचिन एक जगह है उसके समीप स्थित अपने माता पिता के घर उनसे मिलने गई हुई थी, ठीक है। फिर होता क्या है, वो गाड़ी चला रही थी, मतलब गाड़ी चलाते हुए देखती हैं उसकी, उनकी माँ जो है बगल में बैठी हुई हैं। अब वो क्या होता है, लास्ट फ्राइडे अगले शुक्रवार मॉर्निंग सुबह, ठीक है, जब वो अपने माता पिता के घर से वापस लौटती हैं, ठीक है, मतलब उनसे मिलने गई थी, तो जब शुक्रवार की सुबह वो वापस लौट रही थी तो वो क्या कहती हैं, उनकी माता जी बगल में बैठी हुई है, देखिए आई सा, मैंने देखा माई मदर अपनी माता जी को बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में, मी मेरे, ठीक है, डोज, वो झपकी ले रही थी। डोज का मतलब क्या होता है, झपकियां लेना, यानी नाना, ओपन माउथ, खुला हुआ मुंह, उनका मुंह जो है वो खुला हुआ था, हर फेस, उनका जो चेहरा था ऐसन पीला पड़ गया था, लाइक की तरह दैट ऑफ ये कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, जो मृत देह होता है, मतलब डेड बॉडी होती है, तो उस चेहरा जो है पीला पड़ जाता है, उसी की तरह पीला पड़ गया था, मतलब वो कंपेयर कर रही है, ठीक है। तो वो क्या कहती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, मतलब कभी उत्तरी कोचिन के समीप स्थित अपने माता पिता के घर उनसे मिलने गई हुई थी, तो लास्ट फ्राइडे अगले शुक्रवार की सुबह जब वो वापस लौट रही थी तो बगल में उनकी माता जी बैठी थी 66 ईयर की। तो कहती हैं आई सा माई मदर, मैंने अपने माता जी को देखा बिसाइड मी, मेरे बगल में डोज, झपकियां ले रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला था, हर फेस, उनका चेहरा ऐसन पीला पड़ गया था, लाइक डेट ऑफ ए कॉर्प्स, एक मृत देह, एक डेड बॉडी की तरह, एंड रियलाइज, और मुझे महसूस हुआ विथ पेन, दर्द के साथ, दैट की सी वाज, वो थी एज ओल्ड, एज, इतनी बूढ़ी जितनी सी लुक्ड वो दिखती थी, ठीक है। तो वो अपने बूढ़ी माता जी के तरफ देखते हुए कहती हैं, उन्हें ऐसा एहसास होता है, ठीक है, जब वो हवाई अड्डे से तक पहुंचने के रास्ते में उनका ध्यान जो है अपनी माता जी पर पड़ता है, मतलब वो एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, ठीक है, जब अपने माता पिता के घर से लौट रही थी तो एयरपोर्ट के लिए जब वो जा रही थी तो अपने माता के चेहरे को देखती है, उनका मुंह खुला था, उनका जो चेहरा है मृत शरीर की भांति पीला पड़ चुका था, और उन्हें ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि उनकी माता जी जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें दर्द महसूस हो रहा था, ठीक है, उनके चेहरे पर संभवता जो है, और देखिए जब वो अपने माता को, अपने माता जी को छोड़ के जा रही थी या फिर उनकी माता जी से दूर जा रही थी, तो उन्हें ये भी लगता था कि इस समय मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फीलिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे इसके नीचे, तीनों का आंसर आपको लिखना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है कि वेयर वाज द पोएटस ड्राइविंग टू, ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि वेयर वाज द पोएटस ड्राइविंग टू, कवित्री कहाँ जा रही थी, तो सिंपल सा है, द पोएटस वाज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, कवित्री जो है वो कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, कोचिन हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चला रही थी, ठीक है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन, यानी कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी कि जो उनका चेहरा है वो मृत देह की तरह पीला पड़ चुका था, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बताइए, लाइक लगा हुआ है, आप वैसे ही समझ गए होंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। इसमें जो है सिमली है, क्योंकि सिमली में भैया उपमा जिसे हिंदी में कहते हैं, इसमें लाइक वर्ड का यूज किया जाता है।
तीसरा देखिए, व्हाट पेन डिड द पोएटेस एक्सपीरियंस, यानी कि कवित्री जो है वो किस प्रकार की पीड़ा का उन्होंने अनुभव किया, किस प्रकार का दर्द का अनुभव किया। तो ये तो क्वेश्चन रहेगा, आपको पहले पढ़ना होगा। अब आंसर कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। अब देखिए यहां पे लिखेंगे आंसर। देखिए आपको तो आंसर किस प्रकार से लिखना है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा आपके पेपर के हिसाब से, आंसर नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन आपका क्या है ध्यान से समझिएगा कि वेयर वॉज द पोएटेस ड्राइविंग टू, यानी कि कवित्री कहां जा रही थी, कहां के लिए गाड़ी चला रही थी। तो लिख दीजिए द पोएटेस, बस आपको अगर हिंदी मीनिंग पता है तो भैया आप बहुत आसानी से लिख देंगे। तो द पोएटेस वाज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट ठीक है। तो द पोएटेस वॉज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, यानी कि कवित्री कोचिन हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चला रही थी। मतलब पहले अपने माता पिता से मिलने गई थी, फिर उसके बाद में वो वहां से जब लौट रही थी तो भैया कोचिन एयरपोर्ट पर उन्हें जाना था, तो वो उसी के लिए गाड़ी चला रही थी। दूसरा देखिए, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उनका जो चेहरा है वो मृत देह की तरह पीला पड़ चुका था। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, दूसरा लिखेंगे ऐसे, आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। तो लिखेंगे द फिगर ऑफ स्पीच, द फिगर ऑफ स्पीच ठीक है, स्पीच। अब देखिए इसमें कौन सा है, सिमली, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसको ब्लैक से लिख देंगे, दैट्स बेटर, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिमली इज यूज्ड, इज यूज्ड इन द गिवन, इन द गिवन लाइन एज द पोएटेस, द पोएटेस ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखिएगा आप लोग और अच्छी राइटिंग में, जितना बेटर रहेगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। सी हर मदर, हर मदर थोड़ा बढ़ा चला कर लिख देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है। डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ विथ हर माउथ ओपन ऑलमोस्ट लाइक ए कॉर्प्स ठीक है। इस प्रकार से देखिए क्या था क्वेश्चन, कि जो लाइन है आपका उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो हम लिखेंगे द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली, यानी कि इन पंक्ति में जो है सिमली, सिमली का हिंदी होता है उपमा अलंकार ठीक है। इज यूज्ड, ये जो है यूज किया गया है इन द गिवन लाइन, यानी कि दिए गए लाइन में ठीक है। एज द पोएटेस सी हर मदर, क्योंकि कवित्री अपनी माँ को देखती हैं, डोजिंग मतलब झपकी लेते हुए, ऑफ विथ हर माउथ ओपन और उनके मुंह को खुला हुआ, ऑलमोस्ट लाइक ए कॉर्प्स, यानी कि एक मृत देह की तरह। तो देखिए इस लाइन में सिमली जो है ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, क्योंकि कवित्री जो है अपनी माँ को लगभग एक लाश की तरह मुंह खोलकर उंगती हुई देखती है ठीक है, ऐसा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट पेन डिड द पोएटेस एक्सपीरियंस, यानी कि कवित्री जो है इस, इनको किस प्रकार की पीड़ा का अनुभव हुआ, बताइए किस प्रकार की पीड़ा का अनुभव हुआ। तो सिंपल सा है, देखिए उन्होंने महसूस किया अपनी माता जी को देखकर कि अपनी माँ, बूढ़ी माँ को देखकर उन्हें बहुत कष्ट होता है। मतलब किस प्रकार की पीड़ा का अनुभव हुआ, उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को देखा तो उनको बहुत ज्यादा पेन फील हुआ ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री लिखेंगे। देखिए जो हम एक बात और कह दें कि जो आप रंग बिरंगे पेन का मैं यूज कर रहा हूँ आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन इज बेटर ठीक। तो लिखेंगे सी फेल्ट, सी फेल्ट पेनफुल, पेनफुल टू विटनेस हर एगेंग मदर, एगेंग मदर ठीक है। तो सी फेल्ट, उन्होंने महसूस किया ठीक है,
उन्होंने अनुभव किया पेनफुल यानी कि बहुत ज्यादा कष्ट टू विटनेस यानी कि देखकर हर अगेइंग मदर अपनी बूढ़ी माँ को, तो अपनी बूढ़ी माँ को देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। ठीक है, बहुत कष्ट होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख दिया भैया, 6 नंबर क्लियर, कुछ है नहीं इसमें। बस अगर आपको हिंदी मीनिंग पता है पोएट्री का तो आप बहुत आसानी से इनका आंसर लिख लेंगे। इंग्लिश का मतलब क्या है, अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी आता है तो आप अच्छे से लिख लेंगे। कोई भी कहानी याद हो, चैप्टर याद हो, अच्छे से आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लेंगे, तो ग्रामर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी में पोएट्री में जो हमारा सेंट्रल आइडिया है। तो देखिए हमारा जो सेंट्रल आइडिया है भैया, ये हम कीपिंग क्वाइट चैप्टर का पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर कीपिंग क्वाइट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया बताइए, तो चलिए इसी मैराथन में इसको भी जान लेते हैं, कीपिंग क्वाइट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। देखिए सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, आपको जो कविता है उसका मेन पॉइंट लिखना होता है। आखिर सेंट्रल पॉइंट क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या बताया गया है, उसको छोटे फॉर्म में लिखना होता है। देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। इन कीपिंग क्वाइट यानी कि कीपिंग क्वाइट कविता में द पोएट कवि डिमांड्स मांग करता है। ठीक है, डिमांड्स का मतलब होता है मांग करता है। डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांडे बड़ी बड़ी है भैया। द नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, आत्मनिरीक्षण आवश्यकता। ठीक है, आप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि शांत आत्मनिरीक्षण, क्वाइट का मतलब होता है शांत, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। तो कीपिंग क्वाइट में कभी जो है शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है, सभी लोग शांत रहने। ठीक है, कीपिंग क्वाइट। आगे देखिए, मैंस एक्शन यानी कि जो मनुष्य के कार हैं, हिज रस उनकी जो हड़बड़ी है, एंड हरी मतलब उनकी हड़बड़ी और जो हड़बड़ी है, हैव ऑलरेडी यानी कि वो पहले से ही कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हड़बड़ी और हड़बड़ी से पहले से ही कॉस्ट का मतलब होता है, तो देखिए कॉस्ट का मतलब होता है पैदा कर दिया, फिर कारण बन गया है, मतलब कारण बन गया है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। मच चाउज का मतलब होता है बहुत अराजकता। ठीक है, एंड ट्रबल और परेशानी इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में। तो मनुष्य के कार्य जो है और उनके उनकी जो हड़बड़ी है, ठीक है, मतलब इनका कहना है शांति से काम लेना चाहिए, हड़बड़ा कर कोई काम नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। ठीक है, तो कहा गया है कि मैन सेक्शन जो मनुष्य के कार्य है, हिज रस उनकी जो हड़बड़ी है, एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉस्ट और जो हड़बड़ी से पहले की जो वो कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है कारण बन गया है, मच चाउज यानी कि बहुत अराजकता और ट्रबल और परेशानी इन द वर्ल्ड यानी कि संसार की। तो मनुष्य के कार्य उसकी हड़बड़ी और हड़बड़ी से पहले ही दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। ठीक है, मतलब ज्यादा हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। नाउ इट इज द टाइम, नाउ अब इट इज ये है द टाइम समय, व्हेन जब ही शुड टेक ये पॉज, ही शुड उसे लेना चाहिए टेक ए पॉज, एक ब्रेक जिसको कहते हैं या विराम कहते हैं। ठीक है, तो अब समय आ गया है जब उन्हें विराम लेना चाहिए। ठीक है, जब उन्हें रुकना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ही शुड उन्हें करना चाहिए, डू करना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्म मंथन। तो उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए भैया, थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब क्या होता है, स्थिरता। डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी यानी कि पूर्ण निष्क्रियता, मतलब स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। मतलब कोई अगर स्थिरता से काम कर रहा है तो ऐसा मत समझिए वो निष्क्रिय है। ठीक है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि शांति में जो मतलब कहा नहीं गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो ऐसा मत समझो भैया कि जो खामोश है वो किसी काम का नहीं है, हो सकता है कुछ बड़ा करने वाला हो। ठीक है, क्योंकि ये तूफान के आने के पहले वाली शांति हो, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टिलनेस, स्थिरता डज नॉट मीन, इसका अर्थ ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी यानी कि पूर्ण निष्क्रियता। तो स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है, जो स्थिर है उसको मत समझिए कि वो निष्क्रिय है। स्टिलनेस, स्थिरता एंड साइलेंस और जो मौन होता है विल हेल्प, वो सहायता करती है मैन आदमी को इन क्रिएटिंग यानी कि उत्पन्न करने में ये फीलिंग, एक भावना ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझ की अमॉन्ग ह्यूमन बींग यानी कि मनुष्य के बीच। तो कहा जा रहा है कि शांति और मौन जो है वो मनुष्य को मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे। ठीक है,
मतलब शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहिए, ठीक है, कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। तो यही आपका था टोटल कीपिंग क्वाइट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, एक बार पुनः देखेंगे। इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कीपिंग क्वाइट में कवि जो है वो शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है, मतलब सबको शांत आत्मनिरीक्षण के साथ रहना चाहिए, स्टिल रहना चाहिए और साइलेंट रहना चाहिए। मैंस एक्शन हिज रस एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज मच चाओज एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, यानी कि मनुष्य की हड़बड़ी और हड़बड़ी से पहले ही ये हड़बड़ी की काम जो है ये दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी इसने पैदा कर दी है, ठीक है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक ए पॉज, अब समय आ गया है कि उन्हें विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ऑफ ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग Among human being, यानी कि स्थिरता, stillness and silence, स्थिरता और मौन will help मदद करेंगे मैन आदमी का इन क्रिएटिंग, उत्पन्न करने में ये फीलिंग, एक भावना आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ की among human being, यानी कि मनुष्य के बीच में। तो अशांति और मौन मनुष्य को, मनुष्य के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में बहुत मदद करेंगे। तो कोई भी काम करो स्टिल एंड साइलेंस से करो, ठीक है। तो ये आपका था पोएट्री। अब सप्लीमेंट्री को देखते हैं, उसमें भी शॉर्ट आंसर रहेगा, ठीक है, और एक लॉन्ग रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री रीडर पे आते हैं, ये भी 15 नंबर का आएगा, दो शॉर्ट आंसर एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इस पे देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पहले देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये द थर्ड लेवल चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से देखिए, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि जो तीसरा स्तर है, जो थर्ड लेवल है, वो किसको संदर्भित करता है, किसकी ओर संकेत करता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल है, इज ए प्रोडक्ट, वो एक उत्पाद है आप चार्ली, चार्ली के इमेजिनेशन यानी कि कल्पना की। तो जो तीसरा स्तर है या फिर जो द थर्ड लेवल है, ये चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है। ही फाइंड्स, वो इसे पाता है, इट इसे ए प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर, जहां ही कैन एस्केप, वो बच सकता है फ्रॉम से द मॉडर्न, आधुनिक वर्ल्ड, संसार से, ऑफ इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा से एंड फियर और डर से। तो वो उसे एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वो आधुनिक युग की असुरक्षा और भय से बच सकता है, क्योंकि जितना डर आज है, जितनी इनसिक्योरिटी आज है, उतना पहले नहीं था, ठीक है, समझ में आया, उतना पहले नहीं था, जितनी शांति आज, जितनी शांति पहले थी उतना आज नहीं है, ठीक है, भाग दौड़ की दुनिया हो गई। तो क्वेश्चन था कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल किसे संदर्भित करता है, तो द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्ली इमेजिनेशन, थर्ड लेवल चार्ली की कल्पना का एक प्रोडक्ट है। ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, वह उसे एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वो आधुनिक दुनिया की असुरक्षा और भय से बच सकता है, एस्केप कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट समझ में आ गया, थोड़ा फास्ट पढ़ाया मैंने, लेकिन समझ जाएंगे बहुत आसानी से। दूसरा देखिए, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ महाराजा डेथ, ये हमारे सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग से है। देखिए, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर, यानी कि व्हाट क्या डज किया, द चीफ एस्ट्रोलॉजर मुख्य ज्योतिषी ने प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी, टू बी द कॉज, कारण होने का ऑफ महाराजाज डेथ, यानी कि महाराजा की मृत्यु का। तो ज्योतिषी ने महाराजा की मृत्यु का क्या कारण होने का मतलब भविष्यवाणी की, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कहा कि महाराजा की जो मृत्यु है वो किसके कारण होगी, ठीक है, क्या बताया उन्होंने, तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ महाराजा डेथ, यानी कि मुख्य ज्योतिषी ने महाराजा की मृत्यु का कारण क्या बताया, ये आपको बताना। तो देखिए, एट द टाइगर्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के समय, रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स मुख्य ज्योतिषी प्रेडिक्टेड, उन्होंने भविष्यवाणी की दैट की ही वुड ग्रो, वो बड़ा होगा अप एज ए ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा के रूप में, हीरो एंड चैंपियन यानी कि नायक और विजेता के रूप में। तो जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो कुछ मुख्य ज्योतिषी आए, उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि जो ये बच्चा है भैया, ये एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़ा होगा। लेकिन 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 दे ऑल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की, हिज डेथ, उनकी मृत्यु बाई टाइगर, टाइगर के द्वारा, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी भी की कि उनकी मृत्यु जो है वो टाइगर के द्वारा होगी, जो टाइगर्स होते हैं, ठीक है। तो जब मुख्य ज्योतिषी ने टाइगर किंग के जन्म के समय क्या भविष्यवाणी की, तो मुख्य, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो कुछ मुख्य ज्योतिषी आए, उन्होंने बताया कि जो ये है राजा है, ये एक महान योद्धा, नायक और चैंपियन के रूप में बड़ा होगा, लेकिन इसकी मृत्यु जो है वो एक
टाइगर के कारण होगी। ठीक, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है जो कि हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन लिया है ये भी इसी चैप्टर का है, जो सेकेंड चैप्टर है हमारे सप्लीमेंट्री का, द टाइगर किंग। देखिए, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच, यानी कि चरित्र चित्रण आपको करना है। ठीक है, किसका? ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग का, इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में। तो अपने शब्दों में टाइगर किंग का एक चरित्र रेखा चित्र बनाए, मतलब उनका चरित्र चित्रण करना है, कौन है, क्या है, वो सब बताना। देखिए, क्राउन प्रिंस युवराज जो राजकुमार हैं, जंग जंग बहादुर, नाम बड़ा अच्छा, जंग जंग बहादुर। ठीक है, वाज ब्रॉट अप, यानी कि जो जंग जंग बहादुर हैं उन्हें किया गया, ठीक है, बनाया गया। एन इंग्लिश, एक इंग्लिश गवर्नेस, यानी कि गवर्नर। तो युवराज जंग जंग बहादुर का पालन पोषण एक अंग्रेजी गवर्नर द्वारा किया गया। ठीक है, क्राउन प्रिंस युवराज जो है जंग जंग बहादुर है, वाज ब्रॉट, उनका पालन पोषण किया गया अप बाई एन इंग्लिश गवर्नर, एक इंग्लिश, एक अंग्रेजी गवर्नर द्वारा। तो युवराज जंग जंग बहादुर का पालन पोषण एक अंग्रेजी गवर्नर द्वारा किया गया था। ही वाज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, ही वाज ट्यूटर्ड, ट्यूटर्ड का मतलब क्या होता है, जिससे आप लोग ट्यूशन लगाते हैं ना, ट्यूशन कोचिंग जिसको बोलते हैं, वैसे उनको भी भैया। ही वाज ट्यूटर्ड, उन्हें पढ़ाया जाता था इन इंग्लिश, इंग्लिश में, बाई एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा। तो उन्हें एक अंग्रेज ने अंग्रेजी में पढ़ाया था, मतलब उन्हें अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई। When he grew to 20, he took the rein in his hand. When, जब he grew, वो बड़े हुए, to 20, यानी कि जब वो 20 साल के हुए, ऐसा बोल सकते हैं, जब वो 20 वर्ष के हुए, he took, उन्होंने ले लिया या फिर उन्होंने हाथ में ले लिया the rein, शासन को in his hand, अपने हाथ में। तो जब वो 20 वर्ष के हुए तो उसने शासन को अपने हाथ में ले लिया, मतलब वो राजा बन गया, समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। विदिन ये स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि विदिन के मतलब के भीतर, ए स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल। ठीक है, तो 10 साल के भीतर ही किल्ड, उन्होंने मार डाला 70 टाइगर, 70 बाघों को। तो 10 साल के अंदर ही उन्होंने 70 बाघों को मार डाला, क्योंकि जो ज्योतिषी थे उन्होंने बताया था कि तुम्हारी मृत्यु जो है वो बाघ के कारण होगी। तो वो सोच रहे थे, भैया सभी बाघों को जब हम मार ही देंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, तो मुझे मारेगा कौन। ठीक, ये वो सोच रहे थे। तो उन्हें 100 बाघों को मारना था, 70 को वो मार चुके थे। अब उनके राज्य में बाघों की पॉपुलेशन कम हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य के बाघों को मार दिया था। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा आइडिया लगाया। देखिए, इट वाज हिज मास्टर स्ट्रेटजी, यानी कि इट वाज वो थी हिज मास्टर स्ट्रेटजी, यानी कि एक मास्टर रणनीति, टू मैरी, शादी करने का, ये गर्ल एक लड़की से, आप स्टेट उस राज्य की, व्हिच हैड ये लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके राज्य में एक लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी बाघों की जनसंख्या थी। तो एक ऐसी लड़की से शादी करना जिसके राज्य में बाघों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या थी, ये उनकी एक नीति थी, एक मास्टर रणनीति थी, मतलब इट वाज हिज मास्टर स्ट्रेटजी, ये उनकी मास्टर रणनीति थी, टू मैरी ए गर्ल ऑफ स्टेट व्हिच हैड ये लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि उस लड़की से शादी करना जिसके राज्य में एक ज्यादा मतलब टाइगर्स की पॉपुलेशन थी। ठीक है, सो ही वाज एबल टू किल 99 टाइगर इन ऑल। सो इसलिए जब उन्होंने शादी कर ली उस लड़की से, तो क्या हुआ, 70 टाइगर ऑलरेडी वो मार चुके थे, अब उसके राज्य में भी कुछ टाइगर मिल गए। तो सो इसलिए ही वाज एबल, वो समर्थ हुए टू किल, मारने के लिए 99 टाइगर, 99 बाघों को इन ऑल, यानी कि कुल मिलाकर। तो यहाँ जो है बाघों की बहुत ज्यादा आबादी थी, इस प्रकार वो कुल मिलाकर 99 बाघों को मारने में सक्षम हो गए, मतलब मार दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, यानी कि मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि हिज डेथ, उनकी मृत्यु, वुड कम, मतलब होगी, फ्रॉम ये टाइगर, एक बाघ से। तो मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु बाघ से होगी। इट इज आयरोनिकल दैट द किंग मेट हिज डेथ बाई ए वुडन टाइगर, इट इज आयरोनिकल, यानी कि ये विडंबना ही है, आयरोनिकल का मतलब होता है विडंबना, दैट की द किंग, यानी कि राजा, मेट हिज डेथ, मिली हिज डेथ, उनकी मृत्यु, बाई ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी के बाघ से। तो ये विडंबना ही है कि राजा की मृत्यु एक लकड़ी के बाघ के हाथों हुई, मतलब जो ओरिजिनल टाइगर थे जिनको उन्होंने मरवाया था उनसे उनकी मृत्यु नहीं हुई, एक लकड़ी का बाघ था
उस लकड़ी के बाग से वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे भैया, सुना है मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो लकड़ी का बाग था उसका एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा इनके हाथ में, मतलब इनके शरीर से चुभ गया, ठीक है। अब चुभ गया भैया तो इन्फेक्शन फैल गया, और इन्फेक्शन फैलने के कुछ दिनों बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। मतलब जिन बाघों को उन्होंने मरवाया था उनके कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि एक लकड़ी के बाघ से हो गई। अब चूंकि भैया भविष्यवाणी में बताया गया था कि बाघ के कारण होगी, चाहे वो लकड़ी का हो या फिर ओरिजिनल हो, ठीक है, बाघ तो बाघ ही है। आगे देखिए, एट लास्ट अंत में द 100 टाइगर, यानी कि 100वें बाघ ने टुक रिवेंज, बदला ले लिया अपान हिम उनसे। तो कह सकते हैं कि आखिरकार 100वें बाघ ने उनसे बदला ले ही लिया। वन ऑफ द सिल्वर पियर्स्ड, हुआ क्या था देखिए, वन ऑफ द सिल्वर पियर्स्ड मतलब एक तलवार की तरह, मतलब एक तलवार की तरह छोटे सा उस लकड़ी के बाघ का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, मतलब छोटा सा जो टुकड़ा होता है, पियर्स द महाराजा राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में आकर चुभ गया। मतलब लकड़ी के बाघ का एक छोटा सा टुकड़ा उनकी हाथ में आकर, उनके दाहिने हाथ में आकर चुभ गया। इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, इन्फेक्शन जो अतिक्रमण था, जो इन्फेक्शन था, ठीक है, संक्रमण स्प्रेड्स, वो फैल गया ऑल ओवर द आर्म्स, पूरे बांह में, यानी कि उनके हाथ में। तो इन्फेक्शन जो है उनके पूरे हाथ में फैल गया और एटलीस्ट उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, यहीं पर आज का हमारा मैराथन क्लास फिनिश होगा, ठीक है। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आई होप कि आपको सारे के सारे टॉपिक समझ में आ चुके हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।